ओके सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज बेसिकली हम लोग मीटिंग रिकॉर्ड करेंगे, बेसिकली हम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। तो आई होप सो आप लोगों ने जो 5 आवर्स की जो वीडियो है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, और उसके आप लोगों ने काफ़ी इंटरनेट पे भी सर्च की होगी। ऑब्वियसली असाइनमेंट्स आप लोगों को बीच में दी गई थी, तो आप लोग यानी आप मशीन लर्निंग के एक अच्छे इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि आप लोगों ने एल्गोरिथम्स मुख्तलिफ यूज़ कर लिया। आपने रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, KNN, लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन, लाइक आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। अब हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लेट मी हम आहिस्ता आहिस्ता सारे जितने भी मतलब मशीन लर्निंग के अब जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है? तो जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक हो गया। तो आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मशीन लर्निंग का, डेट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, कभी डेटा से आउटलायर्स रिमूव कर रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो sklearn के अंदर प्री प्रोसेसिंग को यूज़ नहीं करते। तो उसे क्या होता है, वो जब आपको अगर प्री प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी अगर अच्छे तरीके से यूज मतलब जो API या लाइब्रेरी है जो भी है, इसको अगर आप अच्छे तरीके से यूज करना जानते हैं, तो इससे ये फायदा होगा कि आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कि प्री प्रोसेसिंग के अंदर कौन सी चीज़ किस वक्त यूज करनी है, ठीक है? आज मैं आप लोगों को पहले मैं लाइक अपना गूगल शेयर कर देता हूँ। द रीजन इज के ओके ठीक है, देखिए मेरा गूगल विजिबल है, आई होप सो विजिबल ही होगा। चलें मुझे चैट आप कर, ठीक है विजिबल है, दैट्स ग्रेट। मैं यहाँ पे सपोज लिखता हूँ ड्रॉन डेटा, DRE ड्रॉन डेटा डॉट XYZ, ठीक है? ये एक ऐसी मैं आप आई गेस ये ड्रॉ डेटा इज आई गेस है ये ड्रॉ डेटा डॉट XYZ। मैं आज एक डेटा सेट यूज करूँ, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि वो मैंने डेटा सेट लिया कहाँ से, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पे लाइन चार्ट भी नजर आ रहा होगा, स्कैटर चार्ट भी नजर आ रहा होगा, हिस्टोग्राम भी मुख्तलिफ। इसमें क्या है कि मिसाल तौर पे मेरे पास एक सपोज कैटेगरी है, तो मैं अब ए के लिए यहाँ पे अब कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने ड्रॉ कर लिया ये वाला पोर्शन, ठीक है? ये क्या हो गया, ये मेरा ए के लिए। अब मैं इसको अब कहता हूँ मेरे लिए बी का बनाओ, तो बी के लिए मैं कहता हूँ कि ये वाला हिस्सा जो है बी के लिए हो गया, ठीक है? ये वाला डेटा, ठीक है? तो अब देखिए मेरे पास कितने मजे से एक क्लास का डेटा भी आ गया और दूसरी क्लास का डेटा भी आ गया। आप चाहें तो इसको डाउनलोड CSV फाइल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लाइक अब आपके लिए बहुत इजी हो गया एक किस्म का, कि आप और इसमें क्या कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के डेटा सेट अपने लिए बना सकते हैं, हिस्टोग्राम का भी बना सकते हैं, लाइन चार्ट का भी बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। मैंने जो है यहाँ पे स्कैटर प्लॉट का एक दो डेटा सेट्स लिए थे और वो इस तरह मतलब यूज किए, और वो बेसिकली मैंने इस्तेमाल किए, ठीक है? तो मैं आप लोगों को डेटा सेट्स शेयर पहले टेलीग्राम पे वो शेयर कर देता हूँ जो मैं आज यूज़ करूँगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दें। ओके सो ये मैं आप लोगों को एक CSV फाइल सेंड कर दी, ये मैं बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ आज के उसमें, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपना VS कोड आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और अभी हम बस सिंपली क्या करते हैं, काम शुरू कर देते हैं, ठीक है? ओके
सो मेरा वी एस कोड विजिबल है या नहीं, कोई मुझे टिक का या कुछ भी सिंबल शो कर दे जिससे मुझे पता चले। ओके यस विजिबल, ओके सही है, मैं यही चेक करना चाह रहा। ठीक है, मैं कर रहा हूँ वॉलेट ऑफ है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, बेसिकली मैं जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ कन्वेंशन लाइब्रेरीज होती हैं जो हर दफ़ा हम यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी, मैं कहता हूँ फिर इम्पोर्ट सी बॉन एज एस एन एस, मैं कहता हूँ इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट पी वाई पी एल पाई प्लॉट एस पी एल टी। ठीक है, और मैं कर्नल अपने लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से बेस कर्नल, ताकि कोई हाँ बेस ही ठीक होगी। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तब तक मैं क्या करूँगा, मैंने लाइब्रेरीज अपने लिए रन कर ली, अब मैं डेटा सेट रीड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सिंपली मैं लिखूंगा डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड, सॉरी थोड़ी देर में चलिए जब तक हो जाए, सी एस वी उसका नाम मैंने दिया हुआ है ड्रॉन ड्रॉन डेटा वन डॉट सी एस वी। ठीक है, तो ये मैं अभी इसको रन करता हूँ। ओके, मैंने पैंडास तो वो डिफाइन ही नहीं किया, इम्पोर्ट पैंडास एज पी डी, ठीक हो नो नॉट पैंडास, ठीक हो गया। अब मैं इसको ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ डी एफ डॉट हेड, मुझे बताओ कि मेरे हेड मतलब मेरा डेटा की शेप किस तरह है थोड़ी सी। तो अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा डेटा सेट पे फोकस करें। सबसे पहले मेरे पास एक एक्स है, ठीक है, एक्स में क्या है मेरे पास न्यूमेरिकल, जो मैंने बेसिकली जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई है उसी ये डेटा बना हुआ है, और एक वाई भी न्यूमेरिकल डेटा है। इसकी बेस पे दो क्लासेस मैंने की थी, एक ए इस चूके हेड में था नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे सैंपल लिख लेता हूँ, सैंपल में रेंडमली पिक होता है तो उसमें ज्यादा चांस है दोनों क्लासेस। हाँ यहाँ पे आप देखें बी और ए, मेरे पास बेसिकली मेरे डेटा सेट्स में कितनी चीजें ए और बी है, यानी मेरा जो डेटा है वो किस चीज़ का, वो क्लासिफिकेशन का डेटा है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसके हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स में होते हैं हम सबसे पहले अपना इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स बनाते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों में मुझे बताएं इन तीनों में मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, चैट में मुझे बता सके। जेड, बिल्कुल जेड, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन इसकी बेस पे हो रही है। ठीक हो गया, इसी तरह। तो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स लिखता हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, अपने लिए जो एक्स और वाई हैं उसको अपने लिए डाल, मतलब एक्स एंड वाई जो क्या नाम है, एक्स एंड वाई जो मेरे पास फीचर है, ये एक एक्स फीचर एक वाई फीचर, इसको मैं डाल दूंगा। तो ये मैं कैसे एक्सेस करूँगा, लिखूंगा डी एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको जरा मैं यहाँ पे फिर एक काम करता हूँ, और मैंने यहाँ पर एक नन्ही मुन्नी सी मिस्टेक की हुई है, ठीक है, वो मैं भी आप लोगों को फिर पूछता हूँ आप लोगों से कि मैंने क्या मिस्टेक की है। ठीक है, जरा मैंने इंटेंशनली की है, आप में से कोई मुझे बता सकते हैं चैट में कि मैंने क्या मिस्टेक की है यहाँ पे। डबल ब्रैकेट्स, एग्जैक्टली डबल ब्रैकेट्स, बिल्कुल डबल ब्रैकेट्स, क्यों, क्योंकि साइकिल टाइम की डॉक्यूमेंटेशन में आप देखें अगर आप इसको डबल ब्रैकेट नहीं देंगे तो वो इसको सीरीज मान के चलेगा, सीरीज वो फिर इसको डेटा फ्रेम नहीं मानेगा, वो इसको सीरीज मान के चलेगा। आप गूगल पे सर्च कर लें सिंपली के सीरीज और डेटा फ्रेम क्या होता है, जो डेटा फ्रेम का एक कॉलम होता है उसको सीरीज कहते हैं। तो इसको एक्स को हमेशा हमें डेटा फ्रेम देना पड़ता है, इसलिए अगर आप अगर इन केस एक्स में कोई सिंपल सिंपल एक भी अगर डालना चाहते हैं ना, तो उसको भी आपने क्या करना पड़ेगा, उसको भी आपको डबल ब्रैकेट देने पड़ेंगे, क्योंकि साइकिल वो उसको फिर उसको आपने डेटा फ्रेम मस्ट प्रोवाइड करना होता है। अगर आप उसको सिंगल देंगे आउटपुट के लिए, अगर आप उसको सिंगल भी दे रहे हैं तो मसला नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी वहां पे जरूरत नहीं। तो मैं अब इसको डबल के साथ रन कर रहा हूँ, तो मेरा जो है मतलब अब कोई एरर नहीं आया, मैंने जो है उसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई किया। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ पी एल टी डॉट स्कैटर स्कैटर। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे लिए स्कैटर प्लॉट बनाओ एक्स और वाई का, देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आता है इसका।
मैंने तो लगता है कोई गलती की है। मैंने गलती बहुत वाजे गलती की है इसमें। देखिए इसमें क्या, मैंने किस तरह इसको एक्सेस करना था, मैंने इसको एक्सेस करना था इसके उसके साथ। यहाँ पे एक्स है ना, मैं एक्स के बनाना चाहता हूँ, ठीक है, कि मुझे पता चले कि मेरे अब सपोज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैंने गलती क्या की है। मैं कहता हूँ कि मुझे जो कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक स्मॉल एक्स और एक स्मॉल वाई, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर से मुझे निकाल के दो, तुम पहले स्मॉल एक्स निकाल के दो, फिर मुझे यहाँ से इसी कैपिटल एक्स के अंदर से जो तुम्हारा दूसरे वाला फीचर है वो निकाल के दो और उसका प्लॉट मुझे बना के दो। ये देखें मेरे पास क्या बन गया, इसका एक प्लॉट बन गया, सिंपल एक प्लॉट बन गया, ठीक है। लेकिन अब इस प्लॉट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्लॉट में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इस प्लॉट को थोड़ा गौर से देखें ना, तो इस प्लॉट के अंदर मतलब हमें समझ ही नहीं पड़ रही कि लाइक मतलब मैं इसमें क्या कहूँ, मतलब हमें इसमें समझ नहीं पड़ रही कि हमारा ए पॉइंट कौन सा है और बी पॉइंट कौन सा है। हमारे पास डेटा सेट में तो दोनों दोनों पॉइंट्स है ना, लाइक ए भी है और बी भी। अब हम मुझे इसमें समझ नहीं पड़ रही कि मेरा ए वाला डेटा कौन सा है और बी वाला डेटा कौन सा है। तो इसके लिए ये कि मैं इस पर कलर लगा दूँ। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसे कहता हूँ भाई सी कलर कर दो वाई वाले को, ठीक है, स्मॉल वाई को, ये जो ये वाला है इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले की बात नहीं कर। अब यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ तो क्या होता है। ओ यस एग्जैक्टली, ये यहाँ पे एरर क्या कह रहा है, रिटर्न सी अल्फा इज नॉट एल्स वन रेज्ड एफ इनवर्ट आरजीबी आर्गुमेंट, एक लेंथ दिस, ठीक हो गया। अच्छा इस तरह करते हैं, यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर हमने एक उसको देना है कलर, हमेशा आपने एक उस पे करना है, तो ये इसको आप डबल नहीं दे सकते। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे बताएं हमारे जेड में कितने क्लासिफिकेशन के वो थे, जिस तरह कैंसर में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसमें हमारे पास कौन कौन सा है, एक ए है और दूसरा कौन सा है, बी है, सिंपली एक ए और हाँ एक ए और दूसरा बी है, ठीक है। तो मैं इस तरह क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ कि भाई सिर्फ वो डालो जहाँ पर मेरे पास ए हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो शो कराओ जहाँ पर क्या हो, ए हो, मतलब बी वालों को तुम रिजेक्ट करो और सिर्फ वाई में वो डालो जहाँ पर ए हो। ये बात समझ आई या नहीं, चैट में मुझे बताएं। हाँ ठीक, नहीं आई, अगेन प्लीज रिपीट, नहीं आई, पॉइंट्स और डजन, अच्छा नहीं आई, नहीं आई समझ, चले नहीं आई, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। देखें मैं इस तरह करता हूँ अभी आप लोगों के लिए ना, सिर्फ इस तरह करता हूँ कि वो जेड वाले को टाइप करता हूँ, मैं लिखता हूँ डीएफ में जो मुझे जेड वाला है वो मुझे शो करा दो। तो इसने तो खैर सिर्फ ए अभी कराएं, मैं 1 मिनट चेक करता हूँ कि वो मैंने रन तो नहीं किया, ये आई गेस मैंने रन कर लिया इसलिए ये इशू, ठीक है 1 मिनट, ठीक है। ये मेरे पास मतलब अब मैं कहता हूँ चल मैं ऐसा कर देता हूँ वैल्यू काउंट्स का फंक्शन लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, देखें यहाँ पर मेरे पास ए जो है 87 है और बी कितने 165 है। जितना भी डेटा सेट है इसमें मेरे पास दो बातें। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ कि डी एफ जेड में सिर्फ वो पॉइंट्स बताओ, डबल इक्वल टू को क्या मतलब होता है, सिर्फ वो पॉइंट बताओ जहाँ पे वैल्यू ए हो, यानी क्या करे जहाँ पर सिर्फ ए वाले हैं वो इसमें डालो, ए के अलावा और कुछ भी मत डालो जहाँ पे सिर्फ ए। अब यहाँ मैं अलग करें यहाँ से ए से लेके जेड तक हो, लेकिन ये क्या करेगा सिर्फ वो लेगा जिसमें ए हो। अगर अभी भी बात नहीं समझ आई तो खैर ग्राफ को थोड़ा सा मैं बता दूंगा ना, ग्राफ ग्राफ आपके लिए जब मैं इस पे ड्रॉ करूंगा तब समझ आ जाएगी। अब मैं इस पे क्या करता हूँ, ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने वाई में कौन से डाले, मैंने वाई में वो डाले में जिसमें सिर्फ ए हो, और फिर मैंने उसे कहा कि मेरे लिए उसको कलर कर दो, ठीक है। तो क्या हुआ जो येलो वाले पॉइंट्स है ना, सबर मैं अपना वो एनोटेशन के लिए मैंने एक पेन इसमें लिखा था, वो पेन एपिक पेन वाली ऐप डाली थी, वो ओपन कर लूँ उससे ज़रा अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए, इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको कहा कि भाई जो मैंने इसे कहा कि जो वाई में जो कुछ पड़ा हुआ है उसको तुम क्या कर दो,
वाई में जो कुछ पड़ा हुआ है उसको तुम कलर कर दो, और वाई में मैंने क्या डाला हुआ है, वाई में मैंने सिर्फ ए डाला हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं इधर एक दूसरा काम करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई अब तुम इस तरह करो कि वाई में वो डालो जहां पे सिर्फ बी पड़ा हो, यानी अब ये क्या करेगा, वो लेगा जो जहां पे सिर्फ बी, यानी ए बी थे ना ये दो, इसमें ये सिर्फ बी वाले को लेगा, ए वाले को रीड नहीं करेगा। तो अब मैं इसको बी वाले लिया, मैंने इसको रन कर लिया, अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया। अब क्या हो रहा है, जहां पर बी थे उसको इसने कलर कर दिया, समझ आ गई, ये जहां जहां पे बी वाला पॉइंट था इसने उसको कलर कर दिया, सही है। अब आई होप सो अब आप लोगों को थोड़ी बात मेरी समझ आ गई होगी। हाँ ठीक है, समझ आ गई। कौन कह रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं। उमर मयाल सर, ये वाई तो एक्स वाला है ना सर, काइंडली एक्स वाई। अच्छा हाँ, इस चीज पे कंफ्यूज हो रहे हैं, ये तो बड़ी सिंपल बात है, ये तो बहुत सिंपल है। एक्स वाई के में नेम चेंज कर दूं, चले मैं इसके नेम चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इंडिपेंडेंट, और ये मैं इसको कर देता हूँ डिपेंडेंट, बस इतनी सी बात ही है, ले मैंने नेम ही चेंज कर दी बस। ये दो दो मरतबा एक्स आ रहा था तो चलें, बस मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ इंडिपेंडेंट, पता नहीं इतनी बड़ी स्पेलिंग दे दी है मैंने अब, हाँ इंडिपेंडेंट, और यहाँ पे भी मैं इंडिपेंडेंट दे देता हूँ, ठीक हो गया। अब वाई 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 में मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे डिपेंडेंट डाल दो, ठीक हो गया, वही काम हो रहा है, एग्जैक्टली वही काम हो रहा है। देखें इंडिपेंडेंट में मैंने क्या कर दिया, एक्स वाई डाल दिया, और डिपेंडेंट में मैंने ये डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा है कि मुझे इंडिपेंडेंट से एक्स वाला निकाल के दो, फिर उसी इंडिपेंडेंट से वाई वाला निकाल दो। जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट में क्या पड़ा हुआ है, ये देखिए सिंपली बी और ए पड़ा हुआ है, दो चीजें पड़ी हुई है, ठीक है। मैंने इसको कहा है कि अब मैं वापस आपको दिखा देता हूँ, अब मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ डिपेंडेंट में सिर्फ वो डालो जो ए में पड़े हुए, ठीक है। अब यहाँ पे ये करूंगा तो दोबारा मेरे पास इस तरह होंगे, ठीक है। मेरा ख्याल में अब तो अब भी नहीं आई समझ, तो काइंडली एक्सप्लेन, ग्राफ को हम देखेंगे, ग्राफ को छोड़ दें अभी, अभी मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोड में हो क्या रहा है, ठीक है, ताकि आपको प्री प्रोसेसिंग समझ आ जाए। येलो किस चीज को शो कर रहा है, मैंने इसको सिर्फ कलर दे दिया ना येलो, और कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये खैर, ये भी मैं डेटा प्री प्रोसेसिंग का थोड़ा इसमें स्टेप्स परफॉर्म करूंगा, आप लोगों को ये बातें इसमें समझ आ जाएंगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, बेसिकली प्री प्रोसेसिंग करना चाहता हूँ, तो प्री प्रोसेसिंग के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड्स के लिए मैंने इम्पोर्ट नहीं किया था, मैं जाता हूँ ऊपर, मैं ऊपर जाके यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम एस के लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मैंने क्या करना है स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक हो गया, यहाँ पे ठीक हो गया, स्टैंडर्ड स्केलर मैंने इम्पोर्ट कर दिया। असल में मैं आपको ऐसे ही तरीका बता रहा हूँ, आप क्या क्या करें, लाइब्रेरीज को सारे एक ही डब्बे में, मैं वापस ऊपर इसलिए जा रहा हूँ कि लाइब्रेरीज को सारे एक ही डब्बे में लिखा करें, वो नीट लगती है, ऐसे ये ना हो कि हर डब्बे पे आप लाइब्रेरी इम्पोर्ट कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं लगता कोड, ठीक हो गया। अब स्टैंडर्ड स्केलर है ना, मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड स्केलर आ गया मेरे पास, इसको मैं स्केलर नाम के वेरिएबल में सेव करा देता हूँ, अब स्टैंडर्ड स्केलर की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब मुझे आप में से कोई चैट में बताए कि मैंने अगर इसमें स्केलर फिट कराना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे अगर चैट में आप लोग बता सकें, कोई बंदा, मैं देखूं चैट, स्केलर अब्बास हैदर कह रहा है, क्या कह रहा है, स्केलर डॉट फिट, डायरेक्ट ही फिट करा दूं उसमें एक्स, पहले ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी, हाँ ये साहिल ने, सबको करो ना यार, मुझे अकेले क्यों कर रहे हो। हाँ इब्राहिम भी थोड़ा थोड़ा पहुंच गया, लेकिन साहिल बिल्कुल राइट ऑन स्पॉट गया, ठीक है। तो अब आप क्या क्या कर सकते हैं, सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ स्केलर, नहीं वो एग्जैक्टली वही लिखना है, स्केलर डॉट फिट
ट्रांसफॉर्म, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट वो फंक्शन का, मैं कहता हूँ फिर ट्रांसफॉर्म कर दो एक्स को, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि एक्स को तुम ट्रांसफॉर्म कर दो। और अब मैं चूंकि मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसका नाम, इसको भी किसी वेरिएबल में सेव करूँ, तो मैं लिखता हूँ स्केल्ड एक्स, कि ये जो एक्स नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट। अब आप लोगों ने इतना बड़ा नाम लिखवा दिया, मुझे मुसीबत हो रही है लिखने में, पी एन डी एन पी, अंग्रेजी भी बंदे की अच्छी ना हो तो। चले कोई बात नहीं, नहीं ये तो एक्स था ही नहीं, अब तो एक्स खत्म हो चुका है, अब तो मैंने हर जगह पे इंडिपेंडेंट देना है। हाँ ठीक है, इंडिपेंडेंट वाले को यानी इस वाले को तुम ट्रांसफॉर्म कर दो। अच्छा तो अभी मैं इसको वो करता हूँ, थोड़ा सा रन करता हूँ। ये देखिए मेरे पास स्केल्ड इंडिपेंडेंट, ये मैंने, ये बहुत बड़ा हो गया, वैसे इतना बड़ा नाम देना नहीं चाहिए हो फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अब मैं स्केल्ड इंडिपेंडेंट को क्या करता हूँ, इस पर इसका मैं प्लॉट ड्रॉ करता हूँ, देखता हूँ कि फर्क आए कि नहीं। तो मैं ऐसा करूंगा, सिंपली ये वाला जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं, यहाँ पे फिलहाल इतना करता हूँ, मैं इसे लिखता हूँ PLT डॉट स्केटर। अब मैं यहाँ पे स्केल्ड SCAL स्केल्ड अंडरस्कोर इंडिपेंडेंट, फिर मैं लिखता हूँ स्केल्ड अंडरस्कोर इंडिपेंडेंट, ठीक हो गया, सही है। अब ये मैं अब चेक करता हूँ ये क्या, ओ हाँ यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ओनली इंटीजर्स। अच्छा ये अब कह रहे हैं कि क्योंकि अब इसकी स्केलिंग हो गई है तो अब ये एक्स नहीं मानता, अब इसको आपने वो दूसरे स्टाइल में वो आई गेस आई लॉक वाले इसको फैशन में, या वो जो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स में एक चीज पढ़ी थी वो कॉलन वाली, अब आपने इसको उस तरीके पे एक्सेस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मेरे पास कॉमा है ना, कॉमा से पहले रोज होती है, मैं कहता हूँ कॉलन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ सारी रोज ले लो और मेरे लिए जीरोथ कॉलम ले लो। जीरोथ कॉलम कौन सा होगा, ये पहले वाला, ये जीरोथ कॉलम है, ये वंथ कॉलम है, और ये कौन सा है, ये टू, जीरो कॉलम, वन कॉलम और टू कॉलम, ठीक हो गया। अब मैं इधर जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ किधर गया, मैं कहता हूँ मेरे लिए जीरो कॉलम ले लो, ठीक हो गया। अब मैं इसे कहता हूँ यहाँ पे कि सारी रोज ले लो और पहला कॉलम ले लो, ठीक है। और अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें मेरे पास डेटा स्केल हो गया। पहले देखें ये अभी क्या हो रहा है, 4 से -4 तक जा रहे हैं, यहाँ पे 1 पॉइंट -1.5 से 2 जा रहा है, डेटा का स्केल छोटे स्केल पे आ गया। और यहाँ पे देखें 500 तक जा रहा था, 0 से 500 पे, ग्राफ आप थोड़ा फोकस करो, यहाँ पे 0 से 3000 तक जा रहा था। लेकिन आपको एक सच्ची बात बताऊं, मुझे यहाँ पे इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अगर आप जरा इस डेटा को थोड़ा गौर से पढ़े ना, ये डेटा तो मेरे पास सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास आउटलायर्स हैं, एक ये आउटलायर है और एक ये दूसरा आउटलायर है, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास डेटा में आउटलायर्स हैं। और अब आप नीचे देखें, चलिए उम्मीद करता हूँ उसी तरह फिट आ जाए। आप लोगों को ये नजर आ रहा है मैं जो पेन से बना रहा हूँ, देखिए हैदर, अब्दुल रहीम यहीं पे जो है ना जूम के ऊपर एनोटेशन ऑन करके कर लें आप। ओहो मैं दूसरे इस पे कर रहा हूँ उस वक्त से, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं मिटा दूँ, जूम पर ये एनोटेशन ऑन कर लेता हूँ, ये हाँ ये तो ऑब्वियसली जूम में ऑप्शन अवेलेबल होता है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्लोज, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर देखें मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये तो मेरा डेटा सेट इसी तरह, और आउटलायर्स अब भी मौजूद हैं, आउटलायर्स अब भी मौजूद हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास आउटलायर्स हैं, तो हमें ऐसा मेथड यूज करना चाहिए जो आउटलायर्स के लिए यूज हो। इससे हमें क्या सबक सीखने को मिला, ये जो मैंने अभी किया, इससे हमें ये सबक सीखने को मिला कि हर जगह पे हर डेटा प्रीप्रोसेसिंग जो है वो काम की नहीं होती। यहाँ पर स्टैंडर्ड स्केलर जो है ये किधर गया, ये बिल्कुल बेकार है क्योंकि ये इसके लिए बना ही नहीं है। स्टैंडर्ड स्केलर किस वक्त आपके काम आता है, जब आपका डेटा नॉर्मलाइज हो, यानी उसका जो कर्व है ना वो ऐसे बेल कर्व हो, इस डेटा की कर्व बेल कर्व नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं ड्रॉ करके भी अगर चेक कर लूँ, PLT डॉट हिस्ट हिस्ट,
एक्स एक्स बल्कि एक्स तो नहीं, अब मैंने इंडिपेंडेंट दिया हुआ है। तो ये कुछ उल्टा सीधा देखें, नॉर्मल नहीं है मेरे पास, ये डेटा इस तरफ स्क्यूड है, ठीक है। तो इस तरह के लिए आप मिन मैक्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास आउटलायर्स हैं, तो जब भी हमारे पास आउटलायर्स होते हैं तो उसके लिए हम एक और डेटा प्रीप्रोसेसिंग की टेक्निक यूज करते हैं, उसका नाम है फ्रॉम सबर एस के लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग। ये चैट्स क्या है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन एनोटेशन नॉट विजिबल, मैंने फिलहाल कोई काम, अच्छा लॉग ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन यूज, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन में भी मैंने अभी तक इस डेटा सेट पे यूज नहीं की, तो मैं इसको मुताबिक इम्पोर्ट में कहता हूँ, मैं कहता हूँ क्वांटाइल ट्रांसफॉर्म, ये वाला नहीं है आई गेस, ये वाला है क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर, मैं कहता हूँ मेरे लिए क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर करो, ठीक है। ये वाला जो है क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर, ये यूज होता है उसके लिए जहां पर आपके पास आउटलायर्स आ जाएं, ठीक है। अब मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पर बल्कि मैं ऐसी कोई चेंज कर लेता हूँ, दोबारा कोड करने की क्या जरूरत है, मैं जो मैंने स्केलर लगाया था ना इस पे ही मैं लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ क्यू यू क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर, इस दफा स्केलर मेरा जो है वो क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। ये मैंने रन कर दिया, इसी पर ही मैंने अब फिट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसी पे ही ये देखें, अब देखें आपके आउटलायर्स का जो असर था वो यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डेटा में कितना बेहतर हो गया है, मतलब आप खुद अंदाजा लगाएं, यहाँ पे डेटा को चेक करें और यहाँ पे डेटा को चेक करें। तो बात ये नहीं होती कि आपको 10 मेथड आते हैं 20 मेथड आते हैं, आपको ये तो पता हो कि मैंने कहाँ पर कौन सा यूज करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पे प्रिडिक्शन चेक करता हूँ, लेकिन मैं प्रिडिक्शन के लिए एक दूसरा मेथड, मैंने एक गिटहब पे एक मैंने एक एक गिटहब पे मैंने एक कोड देखा था, वो मैं आप लोगों के साथ अगर शेयर कर सकूं, उसमें असल में वो अगर आप लोगों को कोड नहीं भी समझ आता कोई मसला नहीं है, मैं आपको उसमें असल में मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को एक बात समझाऊं उससे, उस कोड के जरिए वो किधर, ये है प्लॉट आउटपुट एग्जैक्टली। ये गिटहब पे ये वाला है, ये अगर कोड नहीं भी समझ आ रहा तो कोई इश्यू बिल्कुल भी लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसने तो अब केएनएन यूज किया हुआ है, तो मैं इसको लीनियर, मैं यहाँ पे बस केएनएन ही, केएनएन भी ठीक है, केएनएन कर लेंगे हम, केएनएन को यूज कर लेंगे। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ फ्रॉम एस के लर्न डॉट नेबर्स, ठीक है, मैं कहता हूँ इम्पोर्ट 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 में मेरे पास के नेबर क्लासिफायर, ठीक है। या मैं इस फंक्शन को एंड पे समझाऊं तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी चलें अभी समझा देता हूँ इसका, इसकी मैं असल में अगर ये फंक्शन आप समझ जाए ना इसकी जो आउटपुट है, तो उससे आपको फायदा ये कि आप लोग जो मैं आप लोगों को बात समझाना चाह रहा हूँ ना वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको अब सिंपली रन कर लेता हूँ, इसको भी रन कर लिया, और इस अगर ये वाला फंक्शन नहीं समझ, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये रन हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, फंक्शन है ना, फंक्शन का नेम क्या है, प्लॉट आउटपुट स्केलर, ठीक है। ओहो यहाँ पे पाइपलाइन इसने मांगी हुई है, मैं यहाँ पे पाइपलाइन बस हडो खत्म अगर कर दूं तो फिर मुझे सारा कोड चेंज करना पड़ेगा, मुझे सारा कोड, तो खैर है चले पाइपलाइन यूज कर, पाइपलाइन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने समझा हुआ है, फ्रॉम एस के लर्न डॉट पाइपलाइन इंपोर्ट पाइपलाइन, ठीक हो गया, मैंने पाइपलाइन को यूज कर लिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो कोई इशू बिल्कुल भी लाइक नहीं, हो गए। अब मैं इस फंक्शन को यूज करता हूँ प्लॉट स्केलर प्लॉट आउटपुट, ठीक है।
मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें। लेकिन पहले मैं ये आपको इसका आउटपुट दिखाने से पहले मैं इसको वापस उस ट्रांसफार्मर पे ले के आता हूँ, स्टैंडर्ड स्केलर पे, ताकि आप लोगों को गलत प्रिडिक्शन का पता चले। यहाँ पे आप लोगों को मैं कोडिंग से ज्यादा सेंस बताना चाह रहा हूँ कि इस की सेंस क्या है, ताकि आप समझें कि अगर हम ये वाला काम करेंगे तो इससे गलती क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें इसका आउटपुट, देखें अब ये क्या, इसने क्या प्रिडिक्शन दिया आपको, इस पे अब आपने फोकस करना है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे डेटा पे अगर आप फोकस करें, इधर यहाँ पे मेरे पास डेटा का ट्रेंड किस तरह का है कि इस तरफ वाले जो हैं वो एक क्लास के, मतलब ये ए क्लास हो गई, और ये वाले जो हैं वो सारे बी क्लास हैं। लेकिन इन आउटलायर्स ने क्या किया है, इन आउटलायर्स ने ये किया है कि इसकी प्रिडिक्शन को ये यहाँ तक ले गए हैं, हालांकि इसकी प्रिडिक्शन जो है यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए थी। ठीक है, मत और येलो की प्रिडिक्शन यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए थी, ये आगे तक चली गई, और पर्पल की प्रिडिक्शन यहाँ तक खत्म हो जानी चाहिए थी, ये आगे तक चली गई है। कोड अगर नहीं समझ आ रहा, कोई मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जब आप गलत ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो आपकी प्रिडिक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो भी गलत आएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमेशा ठीक। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैंने क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर यूज किया है ना, अब मैं क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर जब मैं यूज करूंगा तो मेरे पास क्या फर्क आएगा। मैं इस पे ही वापस जाता हूँ और स्टैंडर्ड स्केलर के बजाय क्वांटाइल लगाता हूँ। क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर मैंने लिया, ये भी मैंने लिया, इसको मैंने किया, ये वापस मेरे पास अच्छा हो गया डेटा। अब इसके बाद मैंने इसको भी रन कर लिया और यहाँ पर मैंने किया, ये थोड़ी देर में प्लॉट हो जाएगा। तो अब आप जरा प्रिडिक्शन का वो देखें, कितनी अच्छी प्रिडिक्शन हो गई। यहाँ पे मुझे चाहिए ये था कि मेरे इधर तक वो पर्पल और इसके बाद सारा हुआ, ये ओरिजिनल डेटा था, ओरिजिनल जो हमें रॉ मिला था, फिर हमने इस पे ट्रांसफॉर्मेशन की पहले और फिर उस पे प्रिडिक्शन लगाई। तो अब आप खुद बताएं कि फर्स्ट प्लॉट की प्रिडिक्शन अच्छी आ रही है कि सेकंड प्लॉट की, चैट पे मुझे बता सकते हैं। ओहो, मैं आपको यही कह रहा हूँ, कोड की फिक्र ना करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें। मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करें। ठीक है, सेकंड की, क्यों, क्योंकि उसने एक जनरलाइज लाइन दे दी है, उसमें मसले नहीं आ रहे थे। ठीक हो गया, अब मैंने क्या करना है, ये बात तो क्लियर हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं एक और डेटा सेट यूज करूंगा, पहले अपने लिए एक न्यू फाइल ही बना लूँ। हाँ, न्यू फाइल ही बना लेता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं, बल्कि मैं इसको untitled1.ipynb, ठीक हो गया, ये मैंने एक दूसरी फाइल बना दी। अब मैं इसका जो डेटा सेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ, बल्कि थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ठीक है, या दोनों के बाद ले लूं क्वेश्चंस, तो कि क्या ख्याल है आपका? क्वेश्चंस जो है ना आखिर में ले लें, फिलहाल जो है ना कंटिन्यू करें। चलें ठीक है, ये दूसरी भी प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक करा दूं, फिर आखिर में ले लेंगे, फिर बस प्री प्रोसेसिंग का टॉपिक हो जाए ना, उसके बाद ले लेंगे। फाइल मैंने आप लोगों को सेंड कर दी है, ड्रॉन डेटा टू की। ठीक है, और ये उससे ज्यादा मजे की फाइल है, इसमें आपको मैं बताता हूँ कि असल में देखिए, जो मैंने आपको पहली चीज समझाई है ना, मैंने बताया कि जब आउटलायर्स वाला डेटा हो तो उसके लिए आउटलायर्स वाली ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है। अब यहाँ पे एक और काम होगा, मैं आपके लिए पहले अच्छा ये तक ही मेरा जो नई नोटबुक खुली है, विजिबल है ना? नई स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, और स्क्रीन ही विजिबल नहीं है ये, अच्छा। ठीक हो गया, अब विजिबल है। जी,
ओके, तो मैं इस दफा हमारा काम थोड़ा सा आसान है पहले से। मैं क्या करूँगा, सिंपली बस ये सारी लाइब्रेरीज जो हैं इस पे मैं कॉपी कर लूँगा, इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया, और मैंने अपना कर्नल बेस कर दिया। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, तब तक मैं अपने लिए और कोड भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन मेरा कोड उतना तेज नहीं करता जितना उमार भाई करते हैं कोडिंग, तो इसलिए आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस भी। अब तो खैर जिन्होंने मिस कर लिया, खुद चलें समझ लें, पहले समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मैं वही काम, अब यहाँ मैंने कर दिया ड्रॉन डेटा डॉट टू। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ df डॉट हेड। ठीक है, ये भी उसी तरह का ही है, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है। एक मिनट, यहाँ पे एक फर्क है, मैं भी आपके लिए जब इसको प्लॉट करूंगा ना, यहाँ पे एक फर्क है। मैं अभी आपको डिपेंडेंट में मैंने ये दोनों डाल दिए और डिपेंडेंट में मैंने, ठीक हो गया। मैं बस सिंपली अभी मैं कॉपी पेस्टिंग कर रहा हूँ, और ये चीज मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं ठीक है, ये ऐसे हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि ये ए क्लास है, फिर ये बी क्लास है, फिर ये ए क्लास। अब यहाँ पे देखें, आपके पास फ्रेंड ही लीनियर नहीं है उसमें, तो फिर भी एक ऐसे, मतलब जो पिछला हमने डेटा सेट देखा था उसमें तो कुछ ऐसे करके लाइन बन रही थी ना, इसमें तो कुछ ऐसी लाइन है ही नहीं। इसमें क्या हो रहा है कि पहले एक है, फिर पहले पहली क्लास है, फिर दूसरी क्लास है, फिर उसके बाद दोबारा पहली क्लास है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें स्पेसिफिक, मैं आपको यहाँ पे कुछ केस स्टडीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर डेटा के लिए अलग काम करना है। अब ये मैंने कर लिया ना, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसी तरह पिछले, मैं अपना प्रीवियस कोड देखता हूँ, मैं अपना प्रीवियस कोड ही चलाता हूँ फिलहाल। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर यूज करता हूँ। ठीक है, ये क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर मैंने लगा दी, और मैं फिर जाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ फिट ट्रांसफॉर्म, वही फिट कर लिया अपने डेटा को। ओके, फिट भी हो गया। मैं यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन डायरेक्ट क्यों ना लगा दूं, वो भी अच्छा रहेगा अगर मैं यहाँ पे इन केस डायरेक्ट लीनियर रिग्रेशन को ही यूज कर लूँ, तो वो भी ठीक, वो भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लीनियर रिग्रेशन भी हो सकती है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को डायरेक्टली यूज करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इम्पोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम एसके लर्न डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक हो गया, लॉजिस्टिक क्यों मैं यूज कर रहा हूँ चैट में बताएंगे। अच्छा चलें, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस लिए यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जब हमारे पास क्लासिफिकेशन हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने स्केल कर लिया, स्केलर फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब मैं पहले फिट ट्रांसफॉर्म करके, बल्कि मैं पहले ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लगाता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। मैं कहता हूँ लीनियर लॉजिस्टिक, सॉरी नॉट लीनियर, मुझसे भूल जाता है बार बार, मैं इसको कहता हूँ एल आर। ठीक हो गया, एल आर लगा दिया। अब मैंने इस पे स्केलिंग भी की हुई है। ठीक है, अब मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं कहता हूँ एल आर डॉट मॉडल, नहीं एल आर डॉट फिट, एल आर डॉट फिट एक्स। ठीक हो गया, मैं इस पे कह रहा हूँ कि फिट एक्स कॉमा वाई, एक्स नहीं, एक्स कॉमा वाई नहीं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आदत, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक हो गया, अब मैं इस पे इसको फिट करा दिया। ठीक हो गया, अब मैं इस पे अगर मैं इसको फिट कराता हूँ, तो मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे इसके बाद मुझे आगे क्या करना चाहिए सिंपली। ओ, मेरे ख्याल में चैट सिबल है। हाँ, सिंपली मैंने क्या करना है, अब फिट करा दिया, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि उसको प्रिडिक्ट कराऊं। तो मैं कहता हूँ ये नहीं,
कहाँ गया वो, ये मैं कहता हूँ मेरा डेटा पता नहीं मुझसे गुम ही किया मैंने कहाँ पे। हाँ ओह आई गेस मैंने टू फाइल्स मिक्स कर दिए, यहाँ का काम मैंने वहां पे कर दिए, इस तरह कर दिए लगता है मैंने। चले मैं यहाँ पे दोबारा कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वांट गलती से वो मैंने उस वाले पे कर लिया, मैंने इस पे नहीं करना था। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लीनियर रिग्रेशन लगा, दोबारा लिख लेता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओहो वो मैंने इम्पोर्ट भी उस दूसरे वाली फाइल, जब ये दो फाइल है इसलिए मैं नहीं खोलता क्योंकि गड़बड़ हो जाती है। मैं कहता हूँ फ्रॉम इसको मैं नाम देता हूँ एस के लर्न डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मैंने इम्पोर्ट कर लिया। अब मैं कहता हूँ सिंपली एल आर डॉट फिट, पहले फिट कर लो मेरे लिए एक्स एक्स कॉमा वाई नहीं, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक हो गया, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट को मेरे लिए फिट कर। ओ मैंने एल आर को पहले, एल आर इज इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक हो गया लॉजिस्टिक। अब मैं कहता हूँ एल आर डॉट प्रिडिक्ट, मैं कहता हूँ कि एक्स की बेस पे वाई को, अब इसने ओनली एक्स तो मैंने दिया ही नहीं है ना, मैंने इंडिपेंडेंट दिया हुआ है। ठीक हो गया, ये इसने बस इसने ट्रू ट्रू या फॉल्स फॉल्स जो भी हो गया, अभी हमने इस पे नहीं फोकस करना। हमने क्या करना है, अब मैं कहता हूँ कि मेरे लिए इसको पी एल टी डॉट स्कैटर, मेरे लिए इस तरह करो तुम के एल आर की बेस पे बना दूं। मैं कहता हूँ एल आर नहीं, एल आर की बेस पे नहीं, मैंने क्या था इन स्केल्ड कौन सा है मेरे पास इस वक्त, स्केल्ड स्केल्ड मैंने लिया हुआ है क्वांटाइल वाला। ठीक है तो मैं स्केल्ड इंडिपेंडेंट, ओके स्केल्ड इंडिपेंडेंट। ओहो मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं लेना था, मैंने यहाँ पे डालना था स्केल्ड इंडिपेंडेंट, क्यों, क्योंकि मैंने ओरिजिनल डेटा पे तो नहीं करना, मैंने स्केल्ड इंडिपेंडेंट पे डालना था। ठीक, प्रिडिक्ट भी हो गया। हाँ अब ठीक हो गया, अब मैं कहता हूँ कि मेरे लिए स्केल्ड इंडिपेंडेंट में जो है वो एक्स करो, और स्केल्ड इंडिपेंडेंट में ही मेरे लिए तुम वाई करो, और साथ में नहीं वाई इसको इसमें, और साथ में फिर क्या करो, मैंने कभी मिस्टेक की है, यस मैंने मिस्टेक की, कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चंस लिए जाएंगे, कोई इशू नहीं है। सी इज इक्वल टू वाई, वाई तो मैंने दिया ही नहीं है, मैंने दिया है डिपेंडेंट। ठीक हो गया, मैंने क्या एरर किया, ओ यहाँ पे ये नहीं मानता यहाँ पे, इसलिए कोशिश करें ये वाला मेथड यूज क्या करें, क्योंकि हर जगह पे चलता है ये, इंडेक्सेस की बेस पे काम करता है। ठीक हो गया, पी एल टी डॉट स्केटर डॉट इंड स्केल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया, और मैंने क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर यूज किए। ठीक है, और क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर के बाद मैंने, और फिर मैंने यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया और स्केल डेटा, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रिडिक्शन के लिए एक चार्ट बनाना था, तो वो मैं अब किस तरह बनाऊंगा ताकि आप लोगों को ये नजर आए कि मैंने प्रिडिक्शन के लिए वो करना है। ओ यस एग्जैक्टली, मैंने मिस्टेक की है, मैंने मिस्टेक ये की है कि जो प्रिडिक्टेड थे वो तो मैंने डाले ही नहीं किसी में ना, अब ये एल आर डॉट प्रिडिक्ट है ना, मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको डालना है प्रिडिक्टेड वाई में, प्रिडिक्टेड अंडरस्कोर वाई। ठीक है, ताकि प्रिडिक्टेड का रिजल्ट तो इसमें सेव होगा। ये क्या कह रहा है, द लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंस्टेंस इज नॉट कॉल फिट विद, ओके ओके पहले वो यहाँ पे कह रहा है कि पहले इसको यूं करो फिर यूं करो, फिर मैं इसको दोबारा रन कर दूँ।
ओके रन हो गए। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि मेरी इस पे यहाँ पे प्लॉटिंग करो, किस वाले की, ओरिजिनल वाई की नहीं, इस वाले की, यानी जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने जो रिजल्ट्स दिए उसकी। ठीक है, यहाँ पर मैं आप कहता हूँ इसके रिजल्ट्स मुझे दिखाओ। तो ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तो उसने प्रिडिक्शन ही कोई अजीब की है। मैं इसको कलर की बेस पे कर लूँ तो फिर शायद ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको मैं कलर की बेस पे प्रिडिक्शन दूँ तो नहीं, मैं इस तरह करता हूँ इसको, ओके मैं ऐसा कर, ब्राहिम, इसको जो है ना रिपीट कर लें कि हम स्टैंडर्ड स्केलर क्यों यूज़ कर रहे हैं और क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ना रिपीट कर दें हाँ फिर एक इसीलिए दफ़ा। मैं क्वेश्चंस वहां पे ही ले रहा था, इसलिए मैं ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस लेता हूँ। चलो कोई मसला नहीं है, ठीक कह रहे हो। ये मैं या अब ये मैं टॉपिक कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आप क्वेश्चंस लेता हूँ सारे। तो यहाँ पे मेरे पास प्रिडिक्शन, मैं ऐसा कहता हूँ यहाँ पे सिंगल वाई लेता हूँ ताकि मेरे जो प्रिडिक्शंस के रिजल्ट्स हैं वो ठीक आए। प्रिडिक्टेड वाई में मैं कहता हूँ कि नहीं, प्रिडिक्टेड वाई में तुम, मैं एक और बनाता हूँ प्रिडिक्टेड वाई, और इसमें सिर्फ वो डालो जहाँ पे प्रिडिक्टेड वाई के जो आंसर्स हैं वो क्या हों, वो डबल इक्वल टू ए हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे PREDPREDPREDED प्रिडिक्टेड वाई, ओके आई होप सो इट मे वर्क। नहीं काम पा रहा, सी एज आर्ग्यूमेंट वन विद एन इनकंसिस्टेंट एक्स एंड वाई विद सी आर्ग्यूमेंट हैज वन एलिमेंट। हाँ इनकंसिस्टेंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर पाइपलाइन से काम करूँ ना तो ये मेरे दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे और इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये काम मैं ऐसा करता हूँ, ये काम पाइपलाइन के थ्रू करता हूँ, पाइपलाइन के थ्रू अगर मैं ये काम करूँ तो मेरे काम जो है ये सिंपल भी हो जाएगा। इसलिए मुझे पाइपलाइन बसाते है खुद ज़्यादा पसंद है कि उसमें सिंपली, और ये जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें भी मुझे खैर थोड़ा सा कंफ्यूज सही एक किस्म का कर दिया था, वो कोई बात नहीं, मैं इसको, ये अभी मेरा कोड ठीक हो जाएगा, इतना मसला नहीं। मैं समझ गया मैंने कहाँ पे गलती की है, ये तो मैंने ए ही दिया तो फिर इसने मुझे सिंगल कलर देना चाहिए, तो इसने मुझे डबल कलर क्यों दिए। इसने मुझे सिंगल कलर देना चाहिए था, मतलब इसने मुझे डबल कलर देने चाहिए थे, इसने मुझे सिंगल क्यों दिए। अब्दुलरहीम, इसको यहीं पे छोड़ें, इसको दोबारा रिपीट करें कि ये हम कर क्यों रहे हैं आज, ओके स्टैंडर्ड हाँ, स्केलर क्यों यूज़ कर मैं रहे हैं। असल में पहले इनको गलत प्रिडिक्शन दिखाना चाह रहा था, जैसा मैंने पहले किया था वहां पे रॉन्ग प्रिडिक्शन और फिर उसके बाद राइट प्रिडिक्शन। देखें ना, शुरू से समझ ही नहीं आई, आप दोबारा से रिपीट करें, फिर चले बाद मैं में आप इनको इसको दिखा रहे दोबारा हैं। से न्यू नोटबुक बनाता हूँ और न्यू नोटबुक से करते हैं, ठीक है कोई मसला नहीं है। ये लाइक बहुत कॉमन चीज़ है, ये प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत कॉमन, लाइक ये बहुत मतलब ये किसी के साथ भी होता है, लाइक इसमें कोई ऐसी अनयूजुअल बात नहीं है। ठीक है, अच्छा पहले मैं ऐसा करता हूँ, इनसे पूछता हूँ इनको पहले वाली की भी समझ आई या नहीं, या नहीं आप ऐसे करते हैं, रिपीट करते हैं पहले वाले को भी। जी। ओके मैं पहले वाले को भी रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट की थी, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया था, अपने लिए डेटा सेट लिया था, ठीक है। फिर मैंने डेटा सेट रीड करने के बाद उसका एक सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद मैंने चेक किया कि मेरे पास ए और बी कितने। फिर मैंने यहाँ पे कहा कि जो पहले दोनों है वो इंडिपेंडेंट में डाल दो और जो आखिरी वाले वो मेरे पास डिपेंडेंट में डाल दो, ठीक हो गया। फिर मैंने इसका एक स्कैटर प्लॉट बनाया, ठीक है, और मैंने इसमें सिर्फ ए डाला है और फिर मैंने कहा है कि इसमें मेरे लिए इसको कलर कर दो, ठीक हो गया। अब इसमें क्या हुआ है, मेरे लिए ये कलर हो गया, ठीक है। इसको ये मैंने चूंकि सिर्फ ए डाला था, अगर मैं इसमें दोनों डाल दूं तो ये दोनों कलर हो जाएंगे, अगर मैं ऊपर यहाँ पे बी डाल दूं तो मेरे लिए बी वाला कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको दोनों इम्प्लीमेंट करके दिखाए थे। फिर मैंने आपके लिए स्टैंडर्ड स्केलर लिया था, उस पर मैंने आपको प्रिडिक्शन के चार्ट दिखाया था। ओह हाँ वहाँ पे, यहाँ पे देखे वो उस वक्त मैंने पहले दिखाया था, तो उस वक्त वो उसका प्रिडिक्शन का रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने क्वांटाइल लगाया यहाँ पर, क्वांटाइल ट्रांसफार्मर, ठीक है,
तो क्वांटाइल ट्रांसफार्मर क्या है, बेसिकली यूज होता है वो आउटलायर्स के लिए। अगर क्वांटाइल ट्रांसफार्मर की किसी को समझ नहीं आई तो क्वांटाइल ट्रांसफार्मर देखें इस तरह इस बेस पे काम करता है कि वो आपके लिए आउटलायर्स रिमूव कर देता है, ठीक है। फिर जब मैंने वो यूज किया तो एक फंक्शन मैंने सिर्फ ये ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए दिखाया था, इसका फंक्शन यूज करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ लोगों से एट द इंस्टेंस ताकि उसी टाइम ही बात क्लियर हो जाए। तो जिसका क्वेश्चन है किसी को इस पहले वाले में, दूसरे वाले को मैं दोबारा करता हूँ, हो जाएगा वो, कोई इतना इशू नहीं है, मैंने कहीं पे कोई स्टेप मिस किया इस वजह से। ओके मैंने आई गेस इजाजत दी भी है सिक्योरिटी में। हाँ अनम्यूट अलाउ पार्ट, अब मैंने अलाउ कर दी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहीम भाई पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आपने ये जो पहला वाला किया अनटाइटल्ड वन जो है, इसमें आपने कहा लॉग ट्रांसफॉर्म समथिंग कुछ ऐसा करते हैं, तो कंफ्यूजन ये है कि हमें लाइक वो वीडियो भी देखी है मार भाई वाली, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गए हैं, लेकिन जब आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो हमें यही समझ नहीं आ रहा कि हम लीनियर रिग्रेशन लगा रहे हैं, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो क्या लॉजिक है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमने किस क्या ये लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, लीनियर यहाँ लगाना है, लाइक वो बहुत गिचमिचे समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा समझ नहीं आ रहा बात। देखो मैंने आपको शुरू में जब इस पे स्टैंडर्ड स्केलर लगाया था तो आपको याद आई थी कि इसमें वो आउटलायर रिमूव नहीं हुए थे, तो जब मेरे पास आउटलायर रिमूव ही नहीं हुए तो मेरे फायदा क्या उस डेटा प्रीप्रोसेसिंग का, ठीक है। तो फिर मुझे ऐसा मेथड यूज करना चाहिए जो मेरे लिए आउटलायर रिमूव करे, और क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा मेथड है जो आउटलायर रिमूव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये आप डेटा को पढ़ोगे और उसी टाइम ही आप जो है क्या करना है, उसी टाइम ही आपने वो करना होता है डेटा को देख के उसके हिसाब से। अब जो मैंने दूसरा बनाया था उसके लिए एक और यूज कर रहा था, मैं पहले इसी तरह कर रहा था कि नॉर्मल लगाना चाह रहा था जिसका हमें फायदा नहीं होगा। जैसे मैंने स्टैंडर्ड स्केलर लगाए, स्टैंडर्ड स्केलर का आपको मैंने दिखाया था ना कि वो आउटलायर रिमूव नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने वो मेथड अप्लाई किया जो आउटलायर रिमूव करे, बस ये इतनी सी बात है। अब बोलो क्या कंफ्यूजन है, जो भी किसी के कोई भी क्वेश्चन हो कोई इशू नहीं है, ही कैन ही और शी कैन आस्क, कोई इशू नहीं है जी। अली हो गया आपको इसी चीज में ही कंफ्यूजन थी रहीम भाई कि एक तो ये लॉग मतलब लॉग ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने यूज ही नहीं किया यार कहीं पे, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने यूज ही नहीं किया। नहीं नहीं मेरा कहने का क्वेश्चन जो मेरा वो ये है कि हमें लाइक इसके पीछे क्या कांसेप्ट होगा या किस तरह हमें समझ आएगा। देखो मैं बताता हूँ ना, ये यहाँ लगानी है स्टैंडर्ड स्केलर जो है वो तब यूज होगा जब आपका डेटा नॉर्मल हो, उसका ग्राफ कर्व ऐसे करके मतलब वो बेल कर्व बने। इसका बेल कर्व नहीं बन रहा था तो इस पे स्टैंडर्ड स्केलर लगाने का फायदा नहीं था। इसमें आउटलायर्स थे जो मैंने आपको दिखाए थे, ऊपर थोड़े से पर्पल आए हुए थे, नीचे थोड़े से येलो आए थे। तो आपने क्या करना है, हर एक मेथड को देखना है कि कौन सा किस लिए यूज होता है और उसकी बेस पे लगाना है, ठीक है। चलो ठीक है अब्बास भाई आप क्या पूछना चाह रहे हो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन यूज की, चेक किया कि आउटलायर रिमूव हो रहे हैं कि नहीं, तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम स्केलर से आउटलायर से रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि आपने बताया था कल के स्केलर सिर्फ डेटा को मतलब बड़े से छोटे स्केल पर ले आता हाँ, है। हाँ हर एक स्केलर वो हर एक स्केलर का अपना काम होता है ना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो क्वांटाइल ट्रांसफार्मर होता है वो किस लिए मतलब। अब ये है ना, अब मिसाल तौर पे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अब मेरे पास एक ये सीधी लाइन सीधी लगानी थी, बल्कि सीधी ही लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मिसाल तौर पे इस तरह करके कर्व बन रहा है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ भाई मेरा भाई थोड़ा सा ऐसे करके मैं कर देता हूँ, मेरा 50% डेटा जो है वो इधर है, मेरा फिर मैं कहता हूँ मेरा 75% इधर है और मेरा लास्ट इधर है। लेकिन जिस वक्त मैं इसको नॉर्मली चेक करता हूँ तो ये चूंकि देखिए दरमियान से थोड़ा सा उधर जा रहा है ना, यहाँ तक मेरा डेटा जा रहा है बिल्कुल दरमियान में, तो मेरा दरमियान में 50% यहाँ पर आता है। ये डेटा बेसिकली लेफ्ट स्क्यूड है, थोड़ा सा आप फोकस करो ना, जो मैंने कर्व बनाया है मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला डेटा लेफ्ट स्क्यूड है, ठीक है। इसका नॉर्मली 50% यहाँ पे आता है, 75% यहाँ पे आता है, इसकी मैपिंग होगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मेशन यूज ही
अब मुझे इंटरनली, मैंने क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मेशन की कोडिंग नहीं पढ़ी कि वो इंटरनली किस तरह काम करता है, लेकिन आपने ये देखना होता है कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन किस लिए यूज होती है। क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मेशन आउटलायर, जैसे ही आप देखो मेरे डेटा में आउटलायर्स हैं, आप क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो। इसका लाइक मैं इसको इस तरह आपको इसका आंसर दे सकता हूँ कि इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपने डेटा को क्या मतलब आपने अपने डेटा के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी होती है। अब वो उसकी स्केलिंग भी कम, अब मैं आपको दिखा दूं ना यहाँ पे एक चीज, सबर मेरा माउस। देखो इसको स्केल पे भी लिया है 0 से 1 पे, स्केल भी कम कर दिया, स्केल उसने भी कम किया था लेकिन उसने मेरे आउटलायर्स को हैंडल नहीं किया था, इसने मेरे आउटलायर्स को भी हैंडल किया है। लाइक अब ये जरूरी नहीं है कि रिमूव ही कर रहा हो, ये इंटरनली किस तरह काम कर रहा है ये मैंने नहीं चेक किया कि ये आउटलायर्स को रिमूव कर रहा है, ये उसको एक स्केल पे लेके, लेकिन ये कि हर जो जो भी स्केलिंग मेथड आपने यूज करना है वो उधर ही उसके लिए ही काम करेगा। ठीक है, ये बात सजेशन दी कि जैसे आपने ये डायरेक्ट कोडिंग करवाई तो पहले थोड़ी बहुत थ्योरी बता दे, मतलब कि ये क्वांटाइल ट्रांसफॉर्म क्या होता है। जैसे कल आपने पहले बताया था कि स्केलर ट्रांसफॉर्म को मतलब छोटे स्केल पर, वैसे मतलब ये समझ में नहीं आते, ऊपर ऊपर से गुजर जाता है, मतलब पहले अच्छा थोड़ी बहुत थ्योरी पता होती तो शायद समझ में हाँ, आता ये है। बात आपने अच्छी की है, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ ना कि स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ पर नाकाम हो गया है। इसकी थ्योरी ये कि ये काम करता है नॉर्मल डेटा पे जिसका बेल कर्व अच्छा बना। अब मैंने ऐसा डेटा लिया जिसमें आउटलायर्स हैं जिसका बेल कर्व नहीं है, तो स्टैंडर्ड स्केलर की ये जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं है कि इस तरह के डेटा को हैंडल करे। हर एक स्केलर की अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब ये कि अब हमने बहुत सारी और चीजें भी कवर करानी है, तो लाइक ये इतना इतनी ये इतना मुश्किल नहीं है स्टैंडर्ड स्केलर और ये वगैरह। आपने अच्छी बात की कि रिकमेंडेशन है कि हम इस तरह कर लें, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, साहिल आपका कोई कमेंट है? जी मैं सिर्फ इन सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि आउटलायर्स मोस्टली जो हम देखते हैं वो हम बॉक्स प्लॉट से देखते हैं, वहां से हमें इजीली पता चल सकते हैं, ग्राफ्स में से ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके अलावा बेसिक थ्योरी जब तक आपको नहीं पता होगी आप तो कोई भी स्केलिंग मेथड नहीं यूज कर सकते। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, स्टैंडर्ड स्केलर नेगेटिव वैल्यूज को भी लेकर आ जाता है, नेगेटिव वैल्यूज की रेंज को भी, -4 से +4 तक। अगर हम यहीं पर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं ना, वो नेगेटिव वैल्यूज को नहीं लेकर आ जाता, मतलब उनको नहीं लेता, तो ये उसका ड्रॉबैक है। तो ये पूरा डेटा हमें देखना पड़ता है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसके बेसिस पर फिर हम स्केलिंग ये बिल्कुल लगाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन मैं अभी बॉक्स प्लॉट में सिंपल इनको एक प्लॉट बना के दिखाना चाह रहा था। जी जीशान भाई आप कुछ पूछना चाह रहे? एक मिनट, आपसे पहले शायद अतारा सदफ ने हैंड रेस किया हुआ। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था कि यहाँ पर जो आपने कलर दिए है ये काइंडली समझा दें, क्योंकि वो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और कलर आपने मेंशन भी नहीं किया हुआ यहाँ पर, नहीं तो नहीं ये कलर पर्पल और येलो कलर कैसे आया है? ये खुद से इसने, ये इसकी इंटरनली इसने सेलेक्ट किया। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पर्पल और येलो क्लास क्यों आए। और हमें अब कैसे पता चलेगा कि ये मतलब ए क्लास के लिए कौन सा कलर है और हाँ बी हाँ के लिए कौन सा इधर कलर है? देखें, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जरा इसको लाइन को थोड़ा सा पढ़ें। मैंने लिखा है df के z में कौन से वैल्यूज डाल दो जहां पे सिर्फ क्या हो, जहां पे सिर्फ जहाँ अतारा आप बताएं मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। नहीं खैर कोई ऐसे अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि df के z में मतलब जो z है उसमें वो डालो जी जहाँ पे, ए आपने ए क्लास हाँ जहाँ ली है पे a यहाँ हो। पर। तो अब ये क्या करेगा, जहां जहां पर b क्लास है उसको इग्नोर मारेगा और सिर्फ a को अपने पास रखेगा। ठीक है समझ नहीं मैं गए। ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो कलर हाँ है हाँ 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 वो हाँ कैसे अब इसने शो हाँ किया हाँ यहाँ हाँ पर? हाँ अब ये जो c है ना ये कलर के लिए यूज होता है। ठीक है, ये एक पैरामीटर है, इसका यूज ही कलर के लिए होता है। मैं कह रहा हूँ कि कलर किस वाले करो, डिपेंडेंट को, और डिपेंडेंट में क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ ए। तो यहाँ पे देखिए इसने इस वाले को कलर कर दिया, बात समझ आई है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ बी लिख दो। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, जहां जहां पर बी है उसको कलर कर दिया, बात समझ आई या नहीं? अगर नहीं आई तो कह दे नहीं आई, इसमें कौन सी ऐसी बात है। आप कुछ
येलो इसने बाय डिफॉल्ट लिया है, बाय डिफॉल्ट लिया है इसमें बाय डिफॉल्ट कलर। आप कोई भी दे सकती हैं कॉम्बिनेशन, आप आरजीबी का कॉम्बिनेशन दे दें, जो दिल चाहता है दे दें, लेकिन इसने बाय डिफॉल्ट येलो लिया है। ओके ठीक है। और वो पर्पल जो कलर है वो बी को शो कर रहा है, वो पर्पल कलर हाँ बी को शो कर रहा है अदर देन ठीक है डिपेंडेंट को शो कर रहा है। ठीक है ठीक है जी, थैंक यू सो मच। शान अली आप बोले। ये रहीम भाई आपने जो डेटा यूज किया इसमें वो बहुत ही सिंपल है और इसमें सिर्फ दो ही कॉलम्स है फीचर पेज के। अगर हमारे पास डेटा के फीचर्स कॉलम्स अगर 10 से 12 हो तो उसमें आप स्केटर प्लॉट हर दो दो के लिए चेक करेंगे या अलग अलग सारों को एक साथ स्केटर प्लॉट में कैसे चेक करेंगे? नहीं वो तो देखो अगर मेरे पास आप किसकी 10-12 की, आप इंडिपेंडेंट 10-12 कह रहे हो या डिपेंडेंट को 10? इंडिपेंडेंट को कह रहे हो ना। हेलो इंडिपेंडेंट का ही कह रहे हो, तो देखो डिपेंडेंट आपके पास अगर दो हो तीन हो उसको मैं कलर से शो कर सकता हूँ, वो मसला नहीं है। मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं है, आप मतलब आप कह रहे हो कि ऐसा डेटा लेता जो जरा बड़ा होता, ये कहना ठीक है, ये भी अच्छी बात है, हम ले सकते थे बड़ा डेटा। अभी इसके बाद में एक मैट्रिसेस को हम काम करेंगे, उसके लिए मैंने बड़ा डेटा लिया है फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम का कीगल से। ठीक है तो उसमें आउटलायर्स चेक करने के लिए हमें स्केटर प्लॉट ड्रॉ करना होगा ना, तो उसको स्केटर प्लॉट में हम कौन से दो वैल्यूज लेंगे जिसे 10-12 ज्यादा डेटा में से? यार आपके मुझे क्वेश्चन में आपकी एक तो आवाज भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, जरा ऊंचा बोलो। ये साहिल आपको अगर इसके शायद मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं तो हम सिंगल सिंगल वेरिएबल का बॉक्स प्लॉट बना देते हैं। हाँ, जो हमने बेसिक टेक्निक सीखी थी ना लूप्स वाली, आप लूप चला दो एक, उसमें एक एक वेरिएबल वो उठाकर सबका ब्लॉक बॉक्स प्लॉट बना देगा। नहीं वो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाए तो फिर हम आउटलायर्स कैसे देखेंगे स्कैटर प्लॉट से, तो बॉक्स प्लॉट से भी देख सकते हैं। बॉक्स प्लॉट से भी देख सकते हैं। मैंने सिंपल असल में वो जो मैंने डायग्राम के लिए फंक्शन किया था ना, मैंने उसके साथ इसको रिलेट करने के लिए किया था कि इनको मैं दिखाऊं कि उस पे प्रिडिक्शन देखो गलत जा रही है। वो जो मैंने ये वाला लिया था वो मैंने स्कैटर प्लॉट इसके साथ रिलेशन बनाने के लिए किया कि इनको समझ जाए कि सिस्टम का जो कर्व है वो गलत बन रहा है। ठीक है तो सही हो गया। अच्छा जीशान भाई आपका आपका क्वेश्चन हो गया या नहीं, कुछ और भी पूछना? चलो जीशान भाई जी, साजिद हुसैन अब्दुल रहीम भाई मैंने पूछना था कि जैसे आपने अभी डेटा सेट हमें दो भेजे हुए और एक अभी आप यूज कर रहे हैं ड्रॉन डेटा वन, तो ये हमें यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ पता लग जाएगा हम उसका पहले स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर लें कि हाँ अगर इसके अंदर आउटलेयर्स हैं तो फिर कौन सा स्केलर लगाना है, अगर आउटलेयर्स नहीं है तो फिर स्टैंडर्ड स्केलर लगाना है। हाँ, अगर स्टैंडर्ड स्केलर तब लगाओ जब आपका जो हिस्टोग्राम इस डेटा का बनाए ना plt.hist लिखो और उस पे x डाल दो, अगर वो बेल की तरह का आए और दरमियान में बेल आए मतलब नॉर्मल सा हो। जी तो जी वो बताया हुआ आपने, ठीक है सही ठीक है मैं समझ गया कि अगर वो बेल की तरह आए तो फिर हम उसके ऊपर स्टैंडर्ड स्केलिंग करेंगे। बस देखो नॉर्मलाइज्ड डेटा है तो उस पे स्टैंडर्ड स्केलर, अगर एबनॉर्मल डेटा है मतलब नॉर्मल नहीं है उस पे मिन मैक्स लगाओ, इस पे भी मिन मैक्स अच्छा काम कर जाएगा लेकिन इस पे जो क्वांटाइल ट्रांसफार्मर है सबसे अच्छा। जी अली ठीक है, यानी कि मोस्टली अगर आउटलेयर्स आए तो आपने क्वांटाइल वाला ये वाला यूज इस्तेमाल क्वांटाइल वाला यूज करना है बेसिकली, क्वांटाइल वाला यूज करना है। जी अली आपने कुछ पूछना? हां सॉरी रहीम भाई मेरा एक एक सजेशन है और एक मेरे बात पूछनी थी, वो ये है कि अगर ऐसा मुमकिन अगर हो सकता है कि लेक्चर से पहले अगर हमें आप लोग बता दिया करें आज हमने ये चीज पढ़नी है तो हम खुद चेक थोड़ा बहुत रिसर्च कर लें उसके ऊपर, ताकि पहले से एक रफ आइडिया भी होना कि ये करना है। सर ये मुझे तो सच बताऊं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बिल्कुल कख भी नहीं आ रहा सीरियसली। तो मैं कह रहा हूँ पहले से शायद लाइक नाम बता दिया करें इसका कि हम लोग भी थोड़ा सा देख सकें कि थोड़ा सर्च कर लें या कोई बुक फॉलो कर लें। ठीक है इसमें इतना मैंने मुश्किल काम नहीं किया, सिंपल लाइब्रेरियन ही है डेटा वहां तक मुझे समझ आ गया वो जो आपने मॉडल फिट किया है, उसके बाद वो जो वो डायग्राम जहाँ पे वो कलरिंग हुई है ना। अच्छा ये कलरिंग वो समझ आ जाएगा, ये नहीं समझ आई। हाँ ये जो इसके ऊपर जो सारा प्रोसेस हुआ ना वो बड़ा कंफ्यूज था, वो जो
इस तरह से जो स्क्यूड डायग्राम थी पहले, तो स्क्यूड डायग्राम से मेरा मतलब यही था कि वो जो है हमारा सिस्टम की गलत ट्रेनिंग हो गई उस आउटलायर्स की वजह से, मतलब हमारे सिस्टम गलत ट्रेन हो गया, मैं वो ये बताना चाह रहा था आपको बेसिकली। और दूसरी चीज ये, मैंने कल क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि बट नहीं पूछ सका, कि वो जो 5 घंटे वाली वीडियो अमार भाई ने हमें बताई थी, उसके अंदर बहुत सी असाइनमेंट्स ऐसी हैं कि जिसको लाइक इंटरनेट पे भी ढूंढा है और आज तकरीबन चौथी बार होगी मैं लगातार वो वीडियो देख ही जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए लेकिन उसके अंदर बहुत से असाइनमेंट्स ऐसी हैं जो लाइक वो लिटरली ऊपर से गुजर रही है, तो उसका कोई लाइक इन फ्यूचर या जो होता है करोगे भाई, असाइनमेंट सारी खुद करोगे? नहीं नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो असाइनमेंट कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं उसको भी मतलब पता तो चले ना, ठीक किए गलत किए, अगर गलत किए उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ सीन होगा उसमें? तो यार असाइनमेंट तो उसमें बंदे को खुद ही, आप खुद ही अपने जज बेहतरीन जज हो, सच्ची बात है, आपको खुद ही पता चल जाता है। देखो अब आपने कहा कि मुझे किसी चीज की चीज नहीं मिल रही और मुझसे सॉल्व नहीं हो रही, और जो आपसे सॉल्व हो गई थी यानी आपको पता चल गया था कि मैंने ये ठीक किया, तो वो तो आप, चलो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, ये इससे टॉपिक से नहीं है। साहिल आप कुछ कह रहे हो? जी मुझे सिर्फ अली भाई को ये बताना था कि ग्राफ्स में और कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक लिमिटेशन आ गई है अली भाई, स्केलिंग से पहले और स्केलिंग के बाद। अगर आप स्केलिंग से पहले देखोगे तो वो उनकी जो लिमिटेशन है वो हंड्रेड्स में वैल्यूज जा रही हैं वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पे भी। अगर हम स्केलिंग के बाद देखें, ये जो ग्राफ अभी भी हमें नजर आ रहा है, इसकी लिमिटेशन आ गई है 0 से 1 तक, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी, इसकी वजह से वो ज्यादा स्केटर्ड हो गए हैं। लेकिन अगर मैं ये काम साहिल मिन मैक्स में करूँ ना, तो उधर भी 0 से 1 है, लेकिन उसमें भी आउटलायर्स हैं। लेकिन वो आपकी बात ठीक है, वो स्केलिंग का यही फायदा होता है कि वो जरा डेटा जो है वो जरा करीब करीब सा हो जाता है, डिफरेंस सेम ही रहता है लेकिन डेटा को इसी तरह का। चलो बस ठीक है, ये आखिरी 3 क्वेश्चन लेंगे, फिर हम एक दोबारा मैं उस पर ट्राई करूंगा कि वो ठीक ही हो जाएगा। मैंने किया था आई गेस कोई उसमें प्रॉब्लम आ गई। जी मुदस्सर उमर, अस्सलाम वालेकुम सर। ये प्रश्न तो नहीं है, जैसे एक अंडरस्टैंडिंग करना चाह रहा हूं मैं, ये जो आपने स्टैंडर्ड स्केलर के बाद जो प्लॉट बनाया है इसको देख के तो इससे भी बंदा गेस कर सकता है कि आप इसको कौन सा एल्गोरिथम लगाएंगे। तो जैसे हां ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला जिसमें आउटलायर्स हैं, जैसे हाँ, ये है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ सबको। हम क्लस्टरिंग कर सकते हैं ना, मतलब ये एक तरह का क्लस्टर नजर आ रहा है। हाँ, हाँ, क्लस्टरिंग भी कर सकते हैं इसमें, सिंपल देखें इसमें ट्रेंड भी तो सिंपल है ना, आप इसमें यूं भी इसमें प्रिडिक्शन बन सकती है, सिंपल है। तो मतलब ये बेसिकली हम इसलिए भी करते हैं या कर सकते हैं। हाँ मतलब एक चीज को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। देखें अब फौजिया आपकी स्क्रीन बंद है, ये वैसे अमार भाई अलाउ नहीं करते होते, हो आप अभी कर लें, खैर है क्वेश्चन पूछ लें, हो नेक्स्ट टाइम सब जो है स्क्रीन ओपन रखें, जिस अगर फीमेल है तो निकाब विकाब कर ले, कोई मसला नहीं है। जी सर ऐसा करें प्लीज कि कुछ ना टॉपिक को एनलिस्ट कर दें जिनको हम स्टडी करके आए कल, और आप भी थोड़ा सा और देख के आएगा थ्योरेटिकली भी, तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो तब क्लैरिटी होगी, आज तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आए। अच्छा आपको पॉइंट बताएं कि क्या समझनी है, ऐसे नहीं होता कि कुछ समझ, जिस तरह अब यहाँ पे अब्बास ने पूछा एक पॉइंट मुझसे पूछा कि भाई यहाँ पर ये हो रहा है, कोई पॉइंट बताएं ना। चले डेटा 2 को छोड़ दे, डेटा 1 तो बिल्कुल हमारा स्मूथ गया है, डेटा 2 में थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे पॉइंट बताएं कहाँ पे कौन सी चीज समझ नहीं आई। मतलब आप कहें कि मुझे रीड करने की समझ नहीं आई, मुझे सैंपल की समझ नहीं आई, लाइक मुझे इस तरह बताएंगे तो मैं आपके क्वेश्चन को समझूंगा। सर मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा लैप्स है कि हमें ना टॉपिक क्लियर नहीं होते पहले कि आज किस टॉपिक पे बात होगी, अगर हमें पहले पता हो हम थोड़ा सा उसको स्टडी करके आएंगे ना तो हमें ज्यादा बेहतर पता चलेगा, रेदर देन कि हम सिर्फ सुनते रहे और हमें उसमें कुछ भी इन्वॉल्व ना हो रहे हो। ये स्टैंडर्ड स्केलर का टॉपिक सर ने कहा था ना एक हफ्ता हमारा मशीन लर्निंग पे चलेगा, तो अब आप लोगों की पहले हमने थोड़ी सी ट्रेनिंग की है कि आप लोग थोड़ा एल्गोरिथम चलाना जान जाए। चलो ठीक है, मैं आज मैं ये करा रहा हूँ, कल मैं अब ठीक है मैं आप लोगों को इनलिस्ट करा दूंगा आप लोग डॉक्यूमेंट, इससे अच्छी कौन सी बात है, लाइक मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये हम 5 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, आप लोग इस पे थ्योरी पढ़ के आ जाएं। अभी भी लोग मुझे ये मैसेज कर रहे हैं उनसे लाइब्रेरियाँ इम्पोर्ट नहीं हो रही, तो मैं मतलब ऐसी ऑडियंस
फिर बंदा जिसको दिन में 10 मैसेज ही आए कि उससे लाइब्रेरी नहीं इम्पोर्ट हो रही, और आप तो फिर बंदे की वो क्या कहते हैं वो नहीं रहती ना कि ऑडियंस आपको कैसा फीडबैक दे रही है। ठीक है, अच्छा ये अब्बास हैदर आपका लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर हम काम पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर हम डेटा टू पे दोबारा जाते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत मसला हो गया था। क्वेश्चन ये साहिल भाई ने बताया कि जब हम हमारा डेटा पहले मतलब छोटे से मतलब क्वेश्चन में जब हमने क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है तो वो डिस्पर्स हो गया है, मतलब फैल गया है डेटा, क्योंकि वो साहिल भाई ने बताया कि वो जीरो और वन की रेंज आ गया। तो हम जब हम स्केलर ट्रांसफॉर्म लगा रहे थे तब भी तो हमारा रेंज जो है एक्स एक्सिस पे जीरो और वन का आ रहा था और वाई एक्सिस पे, तब तो हमारा डेटा डिस्पर्स नहीं हो रहा था। वो असल में इसका मैंने इसलिए आपको इस जवाब देना कि इंटरनली इसका काम इस तरीके से कर रहा है क्वांटाइल ट्रांसफार्मर, इज की जॉब डिस्क्रिप्शन ही यही है कि जब आपके पास आउटलायर्स वाला हो तो उसको आपने हैंडल करना है। अब उसकी इंटरनल कोडिंग ना मैंने पढ़ी होगी, इसके अंदर होती है कमांड वो क्वेश्चन मार्क वाली, अब मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रही, जिससे आप उसकी इंटरनल कोडिंग भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें यही स्केलिंग में यही है ना, अब कहीं पे स्टैंड अब जहाँ पे भी आउटलायर्स हो ना, बस देखें हमें इस पर नहीं पढ़ना कि क्या क्यों कर रहा है, हमें देखना है कि भाई किसका क्या काम है। जब हमारे पास आउटलायर्स आ जाए डेटा में, अब मैं यहाँ पे आउटलायर्स का लफ्ज यूज करूँ ना, यकीन माने यहाँ पे आधे लोग हैं जिन्हें आउटलायर्स का मतलब ही नहीं पता। ठीक है, तो आउटलायर्स आउटलायर्स जहाँ पर आए, जहाँ बस देखो आपको ये पता होना चाहिए कि इस डेटा पर मैंने ये चीज इस्तेमाल करनी है, बस यू ऑनली नीड टू नो दिस। हाँ ये एक अच्छी बात है, मैं इस पर और भी देख के आपको बता दूंगा कि इसकी इंटरनली क्यों ऐसा रीजन, इसके इंटरनली कोड में ऐसी क्या चीज हो रही है कि वो उसकी डिस्पर्शन उसको हैंडल कर पा रही है और वो वाला डिस्पर्शन उसे हैंडल नहीं कर पा रहा। मतलब आपके कहने का मतलब है बस इनको इन चीजों को सिर्फ यूज के हिसाब से देखें, मतलब इनको डीप नहीं जाना। यार आपका माइक बहुत ज्यादा खराब है, जरा करीब करके बोलो। मैंने कहा कि आपका मतलब ये है कि मतलब इन चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखें, मतलब डीप में ना जाएं, सिर्फ यूज करना। डीप में जाने का अपना फायदा है, लेकिन फिलहाल आप इसको यूज करना सीखे ना, कि मैं बता रहा हूँ कि ये वाला आउटलायर्स आउटलायर के लिए मेथड है। अब इस तरह लीनियर रिग्रेशन की मैं उस दिन इक्वेशन पढ़ा रहा था तो बहुत लोगों को मसला आ रहा था। ठीक है, तो डीप जाए इट्स गुड, आप जाना चाहें ये अच्छी बात है, इससे इंसान को समझ पड़ती है कि यहाँ पे ये मैंने क्यों किया। मैं देख के आपको बता दूंगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है कि इंटरनली ये क्यों ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये इस तरीके पर चल रहा है। अब मैंने फिलहाल अब्बास का क्वेश्चन लास्ट कर लिया क्योंकि आप दोनों ने लेट हैंड रेस किया। हम ऐसा करते डेटा टू को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस दफा जरा मैं ये अब्बास हैंड डाउन कर लें भाई, ये आज डेटा टू मैं करके ही रहूंगा, कोई मसला नहीं है, 10 मिनट ऊपर भी हो जाए तो ठीक है। ओह वो मैंने पाइथन का ये वाला कर लिया। ये मैंने अभी चेंज कर लिया, थोड़ी देर में हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि मैं कोई इश्यू ना आए मुझे, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, हाँ अब बस सिर्फ इस पे काम, ये मेरे पास रन हो गए। चलो मैंने वही क्रॉस कर दिया, अब मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। चलो कोई इशू नहीं, मैं इस अब देखें जिसको अभी भी नहीं समझ आई वो इसको दोबारा देख ले। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने लिए डेटा इम्पोर्ट करता हूँ। मैं लिखता हूँ pd.read csv। अब मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, मैं लिखता हूँ drawn data2। ठीक है, मैं इसको df में, सही हो गया, ये भी मैंने कर लिया। अब मैं करता हूँ df.head। ठीक हो गया, ये मैंने किया, ये सिंपल मेरे पास एक्स वाई और उसकी बेस पे दो क्लासेस प्रेडिक्ट हो रही। अब मैं इसका सिंपली लाइक प्लॉट बना लेता हूँ, प्लॉट भी आप लोग खैर यहाँ पे दोबारा मैं कर लेता हूँ pnt.scatter। अच्छा, और वही काम मैं जो मैंने पहले किया था वही दोबारा कर लेता हूँ कि अपने लिए एक्स में, बल्कि एक्स थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कि किसी को मसला ना आए। ठीक है, मैं लिखता हूँ x_independent और मैं इसमें डाल देता हूँ अपने लिए, मैं कहता हूँ कि भाई df में मेरे लिए क्या कर दो, मेरे लिए x
और y, ये दो मेरे लिए df से डाल, मैं कहता हूँ y y इंडिपेंडेंट में मेरे लिए क्या डालो, df से सिंपली y डाल दो, ठीक हो गया, ये मेरे पास x और y आ गया, ठीक है। अब मैं इसका स्कैटर प्लॉट बनाऊंगा आप लोगों के सामने, और मैं ये वाला मेथड रखता हूँ ताकि कोई मसला आए। इसमें क्या हो रहा है, सारी रोज ले लो कॉमा जीरो, यानी जीरो मींस, मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूँ शुरू से ताकि मसला किसी को अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रही। यहाँ पे ये है कि जीरो आप ये तो आप लोगों को इतने मुझे उम्मीद है पता होना चाहिए कि जीरो मींस पहला कॉलम, वन मींस दूसरा कॉलम। तो मैं कह रहा हूँ जीरो एक्स, मैंने एक्स नहीं दिया, मैंने एक्स इंडिपेंडेंट नेम दिया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स अंडरस्कोर इंडिपेंडेंट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वन, और ये वन। अब यानी मेरे पास इन दोनों का तुम स्कैटर प्लॉट बना दो, इट इज टेकिंग टाइम, मैं देखते हैं क्यों टाइम ले रहा है। इफ की इज नॉट स्केलर, ओके मैं इसको सिंपल तरीके पे करता हूँ, मैं लिखता हूँ एक्स और ये मैं कर दिया वन। ओहो मैंने पैरेंथेसिस वाला डाल दी, नहीं ये मैंने क्या किया। अब दरेम जो y इंडिपेंडेंट की वैल्यू है ना df, वहां पर z आएगा? नहीं नहीं मैं अभी सिर्फ x और y को वो कर रहा हूँ, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे पास x और y प्लॉट हो। नहीं इसको मैं ओके मैं अभी हाँ सही आप ठीक है, मैं अब समझूँ तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी बात अब मुझे समझ आ गई, मैंने मिस्टेक कर ली। मैं लिख रहा हूँ एक्स इन में मेरे लिए एक्स डाल दो, फिर मैं लिखता हूँ एक्स इन में मेरे लिए वाई डाल दो, ठीक हो गया। ये रन करना चाहिए, हाँ अब ये मेरे पास रन कर रहा है, लेकिन रन करने में मुझे ये पता नहीं चल रहा कि मेरा इन इन डेटा पॉइंट्स में, मतलब मेरे ए वाला इन डेटा पॉइंट्स में मेरा ए कौन सा है और बी कौन सा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, आइडिया नहीं हो रहा। तो मैं बस सिंपली एक सिंपल सा तरीका यूज़ करूँगा कि बस मैं एक को कलर दे दूँ तो मेरा दूसरा ऑटोमेटिकली क्लासिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मेरे लिए क्या करो, y इंडिपेंडेंट में मेरे लिए सिर्फ a वाले डाल दो, b वाले को छोड़ दो, a वाले को डाल दो, और मेरे लिए कलर कर दो y को, और y में क्या पड़ा हुआ है, y नहीं सॉरी y इन में मेरे पास क्या पड़ा है, सिर्फ a वाले। तो कौन से कलर हो जाएंगे, यहाँ पे मुझे बता सकते हैं कि मेरे कौन से कलर हो जाएंगे चैट में? चैट में कोई बता दे, येलो वाले कलर हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि मैंने वाई में क्या डाला हुआ है, कहा कि मेरे लिए ए वाले डाल दो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कलर क्यों नहीं हुए, मैंने इसको रन किया। जो y in है ना, जब आप डेटा स्प्लिट कर रहे हैं वहां पर df का जो z वाला कॉलम ले, y वाला कॉलम लिया हुआ पहले से। ओ मैंने y लिया हुआ है, यहाँ पे z लेना था, एग्जैक्टली ये z लेना था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अब सही हो गया, अभी यहाँ पे ठीक आएगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, नॉन लीनियर ट्रेंड है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर क्या करूंगा, स्कैटर प्लॉट लूंगा तो मेरे लिए मसला होगा। तो मैं अब ऐसा करता हूँ, अपने लिए काम आसान करता हूँ, मैंने पहले भी अपने लिए मतलब वो काम कर लिया, मैं यहाँ पे पूरी एक पाइपलाइन ही फेंक देता हूँ। पाइपलाइन जब मैं इसमें डालूंगा तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरे उसपे स्केलिंग भी ऑटोमेटिकली लग जाएगी और मेरा जो एल्गोरिथम है वो भी लग जाएगा, मतलब एक उससे मैं दो काम कर लूँगा। पाइपलाइंस मैंने इसलिए पढ़ाई थी और मुझे इसलिए पसंद नहीं, ठीक है। मैं कहता हूँ वो पाइपलाइन मैंने इम्पोर्ट की है, गुड। मैं लिखता हूँ पाइपलाइन, ये मैंने बताया था सिंपली एक, मैं चूंकि दो काम कर रहा हूँ तो मैं दो राउंड ब्रैकेट्स लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ पहले मैं कर रहा हूँ स्केलिंग, अब मैं कहता हूँ स्केलिंग में चले मैं यहाँ पे क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर ट्राई करता हूँ कि देखता हूँ क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर क्या रिजल्ट आता है। और क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं लगाता हूँ एल्गो, लगाता हूँ एल्गो, लगाता हूँ अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। अब मैं इस पाइपलाइन को पाइप के नाम से सेव, अब
बट वर एल्गो ओके स्केलिंग हो गया. ओ मैंने कॉमा दिया, मैं ठीक हो गया. अच्छा पाइपलाइन में मेरे पास एरर क्या है, पाइपलाइन ओहो पहले मैंने मैंने सिंटेक्स में गलती की. मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे पहले लिस्ट देनी होती है और लिस्ट के अंदर मुझे दो वो देने होते, लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक हो गया, मैं एंड पे जाता हूँ, यहाँ पे लिस्ट. ओके अब सही हो गई. हाँ अब मेरी पाइपलाइन बन गई है. अब मैं सिंपल क्या करूँगा, मतलब इसी अब आप मुझे चैट में नेक्स्ट स्टेप बता सकता है कोई कि मैंने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है. बस कुछ सिंपल ही सिंपल हो गए, सही है. अब यहाँ पे जो लोग काम कर उनको कुछ कुछ समझ आया, तो मैं लिखता हूँ पाइप डॉट फिट. तो फिट में मैं क्या करूँगा, एक्स और वाई दोनों डाल दूंगा. एक्स और वाई मैंने दिया था नहीं, मैंने एक्स अंडरस्कोर इन और वाई अंडरस्कोर इन ये दो दे दिए थे. ठीक है मैं कहता हूँ मेरे इसको फिट कर दो. ठीक है अब मैंने फिट कर दिया तो मेरी स्केलिंग भी लग गई है और मेरा क्या हो गया है मेरी वो भी लगी. साहिल आपको कोई कमेंट है? y अंडरस्कोर इनको हमने चेंज कर दिया, वहां पे सिर्फ हमने a उठाया था. ओहो मैं इक्वल इक्वल टू a कर दिया था. ओ यस यू आर राइट, y को हमने चेंज कर लिया. हाँ हाँ ये भी ठीक है, सही कह रहे हो तुम. अब मुझे पूरे डेटा सेट को यूज करना चाहिए. यू आर यहाँ पे मैं इसको हाँ वहाँ पे मैंने ये मैंने चेंज नहीं किया ये मैं जिस वक्त, लेकिन ये कि चलो उससे भी हो सकता हो. ठीक है ये भी ठीक है, इट्स ओके, ये भी टोटली सही है, कोई मसला नहीं. हमें पाइपलाइन तो मेरी उसी तरह, मैं फिट करते वक्त दोबारा ये पूरा डेटा इस पर डालूंगा. ठीक है मैंने क्या किया कि पाइप में अपना पूरे का पूरा फिट कर दिया, इससे मेरा फिट भी हो जाएगा. अब मैंने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है चैट में बता दें. प्रिडिक्ट, सिंपल प्रिडिक्ट मैंने लगाना है. ठीक हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा पाइप डॉट प्रिडिक्ट. ठीक हो गया अब मैं इसमें एक्स दे देता हूँ, एक्स नहीं एक्स अंडरस्कोर इन, ताकि ओके खैर ये इससे जो भी आ गया मैं इस पर लिखता हूँ प्रिडिक्टेड अंडरस्कोर वाई. ठीक हो गया प्रिडिक्टेड अंडरस्कोर वाई जब आ गया, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस पर लाइक ग्राफ बनाना है कि मैं देख सकूं कि मेरा रिजल्ट ठीक है या मेरे रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है, मतलब इससे मैं अभी चेक कर सकूंगा. तो मैं क्या करता हूँ सिंपली यहाँ पे मैं स्कैटर प्लॉट बना लेता हूँ, मैं लिखता हूँ पी एल टी डॉट स्कैटर. ठीक हो गया मैं कहता हूँ कि मेरे लिए एक्स इन ये तो मेरे एक्स और वाई डेटा वही रहेगा ना. मैंने प्रिडिक्शंस चेक करनी है कि प्रिडिक्शंस ने कहाँ पे वहाँ पे पॉइंट्स किए, तो मैं यहाँ पे स्कोर इन कॉमा वाई. ठीक हो गया एक्स यहाँ पे मैंने दो दे दिए. ठीक हो गया अब मैं यहाँ पे इसको कॉमा सी इज इक्वल टू प्रिडिक्टेड वाई. ठीक हो गया अब देखते क्या आउटपुट देगा. उसने एरर दे दिया, इसलिए कह रहा है आरजीबी ओरिजिनल, ये वही आरजीबी वाला एरर दे रहा है. जी साहिल आपका इस पे कमेंट है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम इससे प्रेडिक्ट क्या करना चाहते हैं, मतलब स्कैटर प्लॉट हम क्यों बना रहे हैं. ये मैं असल में मैं दो ग्राफ्स आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि इसका फायदा क्या होगा. वो यहाँ पे मेरा एरर दे रहा है पाइपलाइन, तो क्या मैं इसको वापस इधर ही मैं वो जो दो ग्राफ्स एक इस पे ग्राफ बनाऊंगा और एक उस पे एक दूसरे उस फीचर पे बनाऊंगा, उससे जो मेरा ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल ठीक बनेगा. लेकिन ये इफ अल्फा इज नॉट वन अल्फा इज नॉट नन एल्स वन, मैं इसको उस दूसरे ट्राई करता हूँ. मैं इसकी ऑनलाइन इस पे इसी एरर को उठाता हूँ और गूगल पे पेस्ट करता हूँ लाइक
every programmer. इस पे अवॉइडिंग इफ कंडीशन फॉर दिस. ठीक है, ओके, सही होगी. मैं इसको उसी पे ही करता हूँ, रुको. मैं जो मैंने वहां पे कोट किया ना, मैं इसको इसी बेस पे करता हूँ. वो जो मैंने चेंज किया ना, वो मसला इतना नहीं होगा इससे. मैं इसको कहता हूँ कि मेले डबल इक्वल टू ए कर दो. ठीक है, यही पे ही मुझे इशू लग रहा है इसका. ठीक हो गया. अब मैं इसको यहाँ पे फिट करा देता हूँ. अब मैं इसको प्रिडिक्ट कर देता हूँ. ये लो. अच्छा, अब यहाँ पे देखें हुआ क्या है. कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या हुआ है, या क्या ये प्रिडिक्शन ठीक है या गलत है? सिर्फ ये बताएं मुझे, ये वाई प्रिडिक्टेड कहाँ से आया है? ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन से आया है ना. ठीक है, तो कोई बता सकता है ये यहाँ पे हुआ क्या है? हैं, कोई तो बताए, अल्लाह के बंदो कोई तो बताए यहाँ पे क्या हुआ है. खैर गैस लगा लो, कोई ऐसी बात नहीं है. अब जहन में जो चल रहा है कह दो. जी आवाज भाई, क्या हुआ यहाँ पे? हाँ हाँ, ये एक सारा एक साइड पे चला गया और दूसरा एक साइड पे चला गया. ठीक है, तो यहाँ पे मसला क्या है, यानी कि हमने जो अपना क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर यूज किया है, मतलब आप देखो हमारा ओरिजिनल डेटा ये था. ठीक है, कि यू है, फिर एक यू है और फिर एक यू है. असल में मेरा आज के क्लास में कोडिंग से ज्यादा मकसद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है यहाँ पे. यानी इससे हमें यह पता चलता है कि क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर इस मेथड के लिए सूटेबल नहीं है. यानी इसने इस पे क्या, ये कितनी मतलब बिल्कुल ही गलत प्रिडिक्शन है. एक्चुअली ये ऐसे था, एक्चुअली यहाँ पे एक लाख नहीं, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लू. एक्चुअली यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा मेरे पास पेन? ओके हाँ आ गए. एक्चुअली ये यहाँ पे एक क्लास आनी चाहिए थी, यहाँ पे दूसरी क्लास आनी चाहिए थी और यहाँ पे तीसरी आनी चाहिए थी. तो ये डेटा, अब जिसने अगर 5 घंटे की वीडियो थोड़ी सी देखी है ना, तो मुझे इसका जवाब दे सकता है कि ये कौन से ट्रेंड का डेटा है. हैंड रेस करें कमेंट में. सिंपल, ये कौन सा ट्रेंड है ये डेटा का? सिंपल सा नहीं, खैर इंसान है, भूल सकता है. मुझे भी बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने गलतियां की, कोई इशू नहीं है इसमें. ये देखें, हाँ आपका हैंड रेस. हाँ जी अब्बास भाई, ये कौन सा ट्रेंड है? म्यूट हो अब्बास भाई. हाँ, यानी लीनियर ऐसे करके हुआ है ना सपोर्ट वेक्टर मशीन. तो खैर वो वाला है, ठीक कह रहे हो आप. नेगेटिव लीनियर. हाँ मतलब यहाँ पे ट्रेंड ऐसे लीनियर ट्रेंड है. यहाँ पे इसने जो प्रिडिक्शन निकाली है वो लीनियर ट्रेंड का निकाला है. ठीक है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं 5 घंटे की वीडियो को देखो, 5 घंटे की वीडियो को देखो. ठीक है, उसकी यही रीजन है बस. यहाँ पे जो ट्रेंड हमारे पास आया इन इटसेल्फ, जिन्होंने वीडियो अच्छे से नहीं देखी उनको बहुत मसले होने वाले हैं आगे. आगे हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे, वो अलग बला हो जाएगी फिर उनके लिए. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंड लीनियर आया है, जबकि हमारा तो इसके लिए हमें कोई और ढूंढना पड़ेगा. इसके लिए हमें एक कोई और प्री प्रोसेसिंग यूज करनी पड़ेगी, जो कि ये कौन सा, ये नॉन लीनियर है. ये कौन सा है, ये एक मिनट, ये नॉन लीनियर है. नॉन लीनियर, ठीक है, ये नॉन लीनियर है. तो हमें इसके लिए ऐसा प्री प्रोसेसिंग का टूल देना पड़ेगा, या सॉरी ऐसा प्री प्रोसेसिंग का मेथड देना पड़ेगा जो कि नॉन लीनियर. अब मैं देखता हूँ, मैंने वो, मैं कहता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, मैं कहता हूँ इम्पोर्ट करो मेरे लिए इसके लिए पॉलीनोमियल फीचर. पॉलीनोमियल फीचर जो है वो बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया था ना क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर आउटलायर्स के लिए, पॉलीनोमियल फीचर है नॉन लीनियर ट्रेंड वाले डेटा. अब यहाँ पे देखिए आप समझ गए होंगे कि मेरा कौन सा ट्रेंड. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्केलिंग में
पॉलीनोमियल दे देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं इसी पे ही फिट करा देता हूँ, इसी पे ये कर देता हूँ। अब जरा आप प्रिडिक्टेड का रिजल्ट देखें, कितना फर्क आ गया प्रिडिक्शंस में, उसमें क्या प्रिडिक्शन दे रहा था, और अब आप मुझे बताएं सेकंड ग्राफ की प्रिडिक्शन ठीक है कि फर्स्ट की, सिंपल मुझे चैट में लिख दें। एग्जैक्टली मतलब मैं आपको सिर्फ स्टैंडर्ड, ये मेरे जो देखें जो साहिल आपको बता रहे हैं ना बॉक्स प्लॉट, इतने आप आउटलायर्स चेक करने के लिए इतने तरीके हैं कि मतलब बहुत बेबहा 10-15 तरीके मैं आउटलायर्स चेक करने के। मैं स्कैटर प्लॉट क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एक तो ये कि ये एटलीस्ट जिसने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी उसने स्कैटर प्लॉट तो बना ही होगा, जिसने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी जी, क्योंकि जिसने आउटलायर्स का बॉक्स प्लॉट बनाया ही नहीं है उसको बिल्कुल भी बात नहीं समझ आनी, ठीक है। तो स्कैटर प्लॉट तो सबने, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हमारे पास, इससे हमें क्या पता चला, बस हमारे जो मेरा जो लेक्चर है इसकी समरी है कि हमें हर डेटा के हिसाब से जब हमारे पास पॉलीनोमियल वाला डेटा आए तो उसके लिए आपने पॉलीनोमियल फीचर लेना है, जब हमारे पास आउटलायर आए तो आपने क्वांटाइल लेना है। हर डेटा के लिए अलग अलग प्री प्रोसेसिंग की, जो आपको ये नजर आ रहा है ना एसकेलन डॉट प्री प्रोसेसिंग, ये हर डेटा के लिए अलग अलग बनी हुई है, ठीक है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए बींग अ प्रोग्रामर के मेरे पास किस डेटा के लिए कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। हाँ अगर आप इसको इंटरनली देखना चाहते हैं दैट्स मच इवन बेटर आई वुड से। तो ये बेसिकली डेटा प्री प्रोसेसिंग का काम है कि हमने डेटा प्री प्रोसेस किस हर डेटा को किस तरीके से प्री प्रोसेसिंग करनी है। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा जिसको बात ना समझ आई हो। अब्बास भाई जी, जिसको नहीं, किसी को ये भी नहीं समझ आई ना, एक लाइन भी नहीं समझ आई, वो भी मुझे कहे मुझे एक लफ्ज नहीं समझ आई, कोई मसला नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं कहने वाला यहाँ पे। मैंने कहा कि आपका हैंड रेस था तो शायद मैं समझो आपका कोई क्वेश्चन है। अच्छा पहले का रेस था जी। मोहसिन अब्बास अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहीम भाई, आपने ये समझाया ना स्टैंडर्ड स्केलर है और एक क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर। स्टैंडर्ड स्केलर जो है वो हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे नॉर्मलाइज डेटा होगा हमारा, और क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमारा डेटा जो हो वो स्टैंडर्डाइज ना हो, यानी कि बिखरा हुआ हो। हाँ आउटलायर्स हो कुछ डेटा उसमें हमारे पास, डेटा सारा बिखरा हुआ नहीं, मतलब कुछ डेटा ऐसे आउटलायर्स है, कुछ डेटा बहुत ऊपर है बहुत नीचे, ठीक है। और क्या कहते हैं पॉलीनोमियल, जब हमारे पास नॉन लीनियर है तो उसके लिए क्या लेना है, पॉलीनोमियल लेना है, ठीक है। और बाकी ये कोड भेज दीजिएगा इसके ऊपर, ज्यादा हम प्रैक्टिस करके ना समझ लेंगे कि मुझे क्या, भेजने क्या, में यकीन माने कोई मसला नहीं है, एक क्लिक पे मैं भेज सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको देखें और खुद ये प्रैक्टिस करें, जब बंदे के पास कोड बुक आ जाती है ना, नहीं मुझे मसला नहीं है, मैं बता रही हूँ ह्यूमन नेचर है। लाइक मैं भी इसी तरह अगर मैं कहीं पे पढ़ूंगा मुझे नोटबुक मिल जाएगी ना तो मैं कहूंगा चलो अच्छा इस पर मैं सुबह प्रैक्टिस कर लेता हूँ। जब बंदा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, मुझे यहाँ पे एरर आ गया रैंडमली, ठीक है, आप करेंगे आपको 10-20 आएंगे, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल सी चीज है, ठीक है। तो मैं इस वजह से नहीं देता कि बंदा खुद प्रैक्टिस करे। वैसे स्टैंडर्ड स्केलर और क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर की जो मैंने आपको बात बताई है, यानी कि प्रेडिक्शन देखकर हम देखते हैं कि ये चीज कहाँ लगनी है और ये चीज कहाँ लगनी है। बस मेरा बात आप लोगों को आज का जो मेरा ये लेक्चर था उसका मकसद यही था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि हमने किस वक्त मतलब डेटा के हिसाब से प्री प्रोसेसिंग करनी है। मतलब प्री प्रोसेसिंग के कोई फिक्स मेथड नहीं है, हमने डेटा को देख के प्री प्रोसेसिंग करनी है, बस मेरा आज के जो लेक्चर का जो खुलासा था वो ये था। ठीक है भाई, ठीक है जी, ओके शुक्रिया जी। सबीन आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहीम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज का लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि आपको समझना आए, समझ आ गया बहुत अच्छी तरह से। बस थोड़ी सी यहाँ से कंफ्यूजन है कि जो हमने फाइल टू पे काम किया है, जहाँ पे हमने पाइपलाइन लगाया, ठीक है, और वहाँ पे हमने क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर्स लगाए विद लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ, सही। सो अब हमारे ये दूसरा वाला। सो अब ये देखो यहाँ पे नॉन लीनियर रिलेशन आ रहा है, सो हम यही अचीव करना चाह रहे थे इस प्री प्रोसेसिंग से। हाँ देखिए जिस वक्त मैंने
क्वांटाइल लगाया था तो आपके पास ग्राफ कितना खराब आया था, मतलब आपको इससे पहले वाला ग्राफ याद है ना? हाँ जी हाँ जी। तो अब आप बताएं, पहले उसने ये जो कलर बने ना, ये बेसिकली इस प्रिडिक्टेड की बेस पे बने, पहले वो प्रिडिक्शन ही गलत दे रहा था। हाँ, मतलब बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर कंसर्न यही होता है कि आपने एक्यूरेसी अचीव करनी है। मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम होता है कि मेरा अब एक डेटा है या एक सॉफ्टवेयर है या एक मशीन लर्निंग का कोई भी टूल है, उसकी एक्यूरेसी आ रही है 50%, तो मैंने क्या करना है उसका, मतलब वो मेरे एक बेकार चीज है ना। हेल्थ के डेटा है, अब मिसाल तौर पे बंदों को कैंसर नहीं और वो कैंसर बता रहा है, किसी को कैंसर बता रहा है किसी को नहीं बता रहा, तो ऐसे सिस्टम का मैंने क्या करना है, मुझे तो अपने एक्यूरेसी से गर्ज है। सही। सो दूसरी एक और बात, अभी आपने कहा कि हम पॉलीनोमियल फीचर्स को यूज करेंगे व्हेन वी आर डीलिंग विद नॉन लीनियर डेटा, सो इजंट इट ये जो ग्राफ है ये नॉन लीनियर नहीं है, सो हम यहाँ पे फिर क्वांटाइल की यूज कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो क्वांटाइल नहीं, मैंने पहले क्वांटाइल यूज किया। यहाँ पे कौन सा यूज किया? अब पॉलीनोमियल आपने यूज किया। पहले मैंने क्वांटाइल यूज किया ताकि उसके रिजल्ट गलत आए और आपको पता चले अच्छा कि अगर हम गलत मेथड यूज करेंगे तो हमें गलत रिजल्ट आए मिलेगा, अगर हम सही यूज करेंगे तो हमें सही मिलेगा। ठीक है, सही, पॉलीनोमियल इसलिए बस सिंपल है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जुनैद खान। दूसरा, इसको आपने ये मैंने ये सिर्फ मैंने वो कलरिंग के गर्ज के लिए किया, ये इतना ये इशू नहीं है, ये मसला नहीं है। ठीक हो गया, चलो ठीक, थैंक यू जी। अब्बास भाई, ये लास्ट वाली बात है जिसे आपने पॉलीनोमियल फीचर्स लगाया उसके बाद जो ग्राफ बनाए, तो इस ग्राफ में और जो पहले वाला ग्राफ था उसमें क्या डिफरेंस है पॉलीनोमियल फीचर्स लगाने के बाद? एक मिनट, आपकी आवाज जरा खराब आई है, आपने क्या पहले ग्राफ और दूसरे ग्राफ में फर्क क्या है? मतलब पॉलीनोमियल फीचर्स लगाने के बाद जो हमने ग्राफ बनाया है ना, पॉलीनोमियल फीचर्स लगाने के बाद, हाँ, उस ग्राफ में और पहले ग्राफ में जो ऊपर का बना है वो सेम ही लग रहा है। तो अच्छी बात नहीं है कि प्रेडिक्शन सही आ गई है, ये ओरिजिनल थी और ये प्रिडिक्शन हो गई है, ये किस पे बना है? प्रिडिक्टेड वाई पे। तो हम यही तो चाहते थे कि हमारी प्रिडिक्शन अच्छी आ जाए। देखो इसमें एक दो ही डॉट्स गलत होंगे, इसमें देखो बिल्कुल जो हम चाहते थे हमें वो मिल गया। बात समझ आ गई है? ये रॉ डेटा का है और ये प्रिडिक्टेड का है, मतलब बात नहीं समझ आई? समझ आ गई सर, मैं थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी अभी क्लियर हो गई। बस ठीक है, यही मैं यहाँ पे यही बात है कि हमारा फोकस यही है कि जो रॉ डेटा है मतलब जहाँ पे एक्चुअली पॉजिटिव है ये उसको पॉजिटिव ही बताए और जहाँ पे नेगेटिव है उसको ये नेगेटिव ही बताए। हमारा मकसद ये था, पहले वो ऐसे उसने क्या किया था, ऐसे लाइन लगा दी थी, इधर सारे पर्पल ले गया था और इधर सारे येलो ले गया था, तो वो तो बिल्कुल ही हमें गलत बता रहा था, मतलब जहाँ पे पर्पल था उसको येलो बता रहा था और जहाँ पे येलो था मतलब गलत ही बता रहा था ना। तो हम ये तो नहीं चाहते ना कि हमारे साथ ऐसा हो। सही हो गया, चलो आपका क्वेश्चन हो गया बास भाई, हैंड डाउन कर लो अगर हो। अच्छा साजिद हुसैन। बस सर, वो मेरा सर ने आपसे सवाल पूछ लिया, मेरा भी यही सवाल था कि मुझे, मैंने देख रहा था दोनों ग्राफ्स में मुझे कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था, जो आपने पहले एग्जांपल दी उसके अंदर हमें काफी वो पता लग रहा था भाई ये आपका रॉ डेटा है, उसके बाद जब आपने प्रिडिक्ट किया तो उसके बाद फर्क नजर आ रहा था। इसके अंदर शायद कोई बड़े माइनर से पॉइंट होंगे जहाँ पे वो प्रिडिक्शन के बाद महसूस हो रहा है कि हाँ वो मैंने वाला फंक्शन लिया था, वो मैंने कहा मुश्किल दोबारा ना हो जाए इसलिए मैंने कहा कि बस ये सिंपल ही रख लूं, बस सिंपल तरीके से। बस मेरे अब्दुल भाई कहीं वो जो आपने z को बराबर a रखा है उसके साथ इक्वल करने के लिए जो प्रेडिक्ट इस्तेमाल, उसकी वजह से तो नहीं आ रहा कि अगर उसको हम a खत्म कर दें तो फिर अगर प्रेडिक्ट करें तो और गलत आएगा? नहीं, वो मैं फिर कलरिंग मैंने करनी है ना, तो मैं चाहता हूं कि मेरा कलर्ड आए,
तो कलर्ड अगर ना हो तो फिर उसमें ये मसला आएगा कलरिंग का। इसका मतलब हमने वो जो रहीम भाई अभी हमने जो रॉ डेटा लिया इसका मतलब फिर ये फिर ए वाले की प्रेडिक्शन दे रहा है ओवरऑल सारे की दे रहा है। यहाँ पे देखें आप देखें खुद ये प्रिडिक्टेड वाई लिखा है ना मैंने और यहाँ पे ग्राफ किसका बना है बी वाले जी जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना तो ये उसी बेस पे चल रहा है। ठीक है चले ठीक मतलब जी जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी ये सजेशन थी कि अगर आप नोट्स के फॉर्म में हमें थोड़ा पहले बता दिया करें ना जैसे स्टेप्स के तौर पे जैसे हम पहले डेटा लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी नॉर्मेलिटी अगर नॉर्मेलिटी बिल्कुल ओके है तो फिर हम ये वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर हम इसके ऊपर क्वांटाइल प्रोसेस लगाएंगे तो इस तरह फिर ये होगा कि हमें ए बी सी के स्टेप्स आ जाएंगे और फिर जब हम करेंगे तो फिर वो ईजी होगा समझने में। आपकी बात सही यानी आप कह रहे हो कि मैं एक एक करके सब मतलब पहले चेक करूं कि नॉर्मल है या नहीं है स्क्यूनेस चेक कर लूं ये चीजें फिर ये कि वो फिर अगर ये पड़ी होंगी कुछ चीजें फिर किसी को किस में मसला आएगा उसके और नहीं क्लास स्टार्ट करने या जैसे क्लास स्टार्ट होना तो आप हमें बता दें कि आज हमें ये करना है फिर जैसे यूं कह लें कि ए बी सी के स्टेप्स में कि जैसे डेटा हम लेंगे नॉर्मल होगा तो फिर हम ये प्रोसेस करेंगे नॉर्मल नहीं होगा तो ये प्रोसेस करेंगे आउटलाइनर निकालने के लिए ये प्रोसेस करेंगे फिर उसे ये कि जब हम कोडिंग करेंगे ना तो हमें पता होगा कि हम कौन सा स्टेप कर रहे हैं और उस स्टेप के बाद हमने कौन सा स्टेप करना है। ठीक है सर थैंक यू। ठीक है चलिए क्या नाम है आतरा सदफ जी आतरा सदफ मैंने ये पूछना था कि ये प्रेडिक्टेड डेटा तो हमारे पास आ गया एक्यूरेसी भी सही है जैसे हमारा पहले वाला डेटा था एज इट इज ये हमारे पास प्रेडिक्शन बिल्कुल सही आई है और आपने कहा है कि पॉलीनोमियल जो फीचर है वो हम अप्लाई करते हैं नॉन लीनियर डेटा पे तो उसका मकसद असल में क्या है हमें अब स्केलिंग के बाद हमें क्या डिफरेंस फील हो रहा है इस ग्राफ में मतलब हमें क्या पता चल रहा है उससे स्केलिंग से कि हमारा नॉन लीनियर डेटा क्या मतलब उसका क्या इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है हमारे डेटा पे पॉलीनोमियल फीचर का। पॉलीनोमियल फीचर का जो मैंने स्केलिंग मेथड यूज किया उसका क्या असर आ रहा है डेटा पे आप ये आपका ये क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल देखें बात सुने लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली लीनियर ट्रेंड पे काम करता है मैं अपने डेटा को देखें जिस तरह आउटलायर्स जब मैंने आउटलायर वाला काम किया था वहां पे जब मेरे पास आउटलायर्स आ रहे थे तो मैंने क्या किया था क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर यूज किए क्यों क्योंकि वो यूज होता है आउटलायर्स के लिए। जब भी अब यहाँ पे आप देखें खुद अंदाजा लगाए ना यहाँ पे मेरे पास लीनियर ट्रेंड नहीं है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस साइड पे सारे पर्पल हैं और इस साइड पे सारे येलो हैं मेरे पास ऐसा नहीं चल रहा मेरे पास ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे कभी पर्पल आ रहे हैं फिर मेरे पास यहाँ पे येलो आ रहा है फिर मेरे पास दोबारा यहाँ पे पर्पल आ रहा है। सो दिस इज बेसिकली ये नॉन लीनियर है एक इस किस्म का है तो इस तरह के डेटा के लिए पॉलीनोमियल यूज किया जाता है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जब आप अपने रियल लाइफ डेटा सेट्स पे जब आपके पास रहो तो आपने किस लाइक डेटा के हिसाब से मेरा आज का वन पॉइंट एजेंडा है कि आप लोगों को प्री प्रोसेसिंग का आइडिया हो अगर कोडिंग अभी मुश्किल भी हो रही है तो कोई मसला नहीं है कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें या आप खुद करेंगे दो तीन मरतबा ट्राई करेंगे हो नहीं मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि इस पे डेटा पे हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ा है। आपने अभी कहा है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है लीनियर पे लगता है तो क्या हमने उसके साथ लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हमने वो स्केलिंग यूज किया ताकि हमारा डेटा उसके साथ वो हो सके। हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए नहीं हमने डेटा मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए ही इन अ वे यूज किया क्योंकि डेटा ने तो आखिर में एल्गोरिथम को ही पास होना होता है ना लेकिन हमने अपने डेटा को पहले सही किया है उसको मतलब एडजस्टमेंट किया उसकी प्री प्रोसेसिंग किए देखें हर डेटा के लिए अलग बस मेरे कहने का मतलब ये मतलब आप क्या पूछना चाह रही हैं मतलब मुझे आपके क्वेश्चन की सही समझ ही नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं सिर्फ इसका इम्पैक्ट पूछना चाह रही थी कि डेटा पे हमारा इम्पैक्ट क्या आया इस पे इम्पैक्ट ये आया कि इसको समझ आ गई है कि मेरे इसको लीनियर ट्रेंड नहीं करना मैंने जो इसका ट्रेंड है मेरे पास नॉन लीनियर है मैंने इसको एक किस्म का ट्रेन कर दिया अपने सिस्टम को बस इसका ये समझे आपके पास ये इम्पैक्ट है मतलब मैं अपने डेटा को
एक किस्म के अपने एल्गोरिथम को बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो डेटा आ रहा है ये नॉन लीनियर है, मतलब इसमें पॉलिनोमियल फीचर लगा दिए कि ताकि ये इस मतलब हर इसका अपना अपना काम होता है ना प्री प्रोसेसिंग का, ये हर डेटा के हिसाब से अलग प्री प्रोसेसिंग हो रही है, बस इसको आप इतना समझें फिलहाल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जी। जवाद भाई मुझे ये करना था कि बाबा जी ने वैसे तो क्या कहते हैं कोई रीडिंग मटेरियल जो है वैसे तो पाइथन वगैरह के लिए शेयर कर रहे थे, मशीन लर्निंग के लिए कोई रीडिंग मटेरियल कोई रेकमेंड किया नहीं, कोई पीडीएफ कोई बुक अगर कोई ऐसी आगे चल के रेकमेंड करेंगे अभी इसी स्टेज पे भी दे सकते हैं? वो अब अमार भाई की अपनी मर्जी है वो क्या रिकमेंड करते हैं, लाइक मैंने मशीन लर्निंग जो है ज्यादा जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मैंने एंड्रू एनजी से सीखी हुई है बेसिक मशीन लर्निंग का, जो बेसिक आइडियोलॉजी फिलॉसफी मशीन लर्निंग की है मैंने एंड्रू एनजी से सीखी हुई है। कोर्सेरा में उसका अब भी फ्री कोर्स पढ़ा, लेकिन एक वक्त में एक ही करें क्योंकि जब बंदा एक वक्त में दो तीन चीजें करता है तो लाइक स्कैटर हो जाता है। मतलब असल में होता ये कि जो जो मेरे चंद एक दोस्तों ने पहले किया था मुख्तलिफ जो तो कहते हैं कि कुछ रीडिंग मटेरियल कुछ साथ में वो लोग देते हैं रेफरेंस करने के लिए मिसाल के तौर पे कोई कोई पीडीएफ या कोई बुक वगैरह। चलिए मैं आपको हमारे स्टैट्स में भी जैसे आपने दी थी रीडिंग मटेरियल के तौर, ठीक है मैं अगर एमएल में भी शेयर हो जाए तो लोगों के लिए प्रिपरेशन में आसानी हो जाएगी। ये अच्छी बात आपने की, ठीक है मैं आपको शेयर करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो मैट्रिसेस पे मूव करें या नहीं, बल्कि हमारे पास हैं 8 मिनट तो हैं, मैट्रिसेस पे मूव कर लेते हैं बस। प्री प्रोसेसिंग मेरे ख्याल में इतना आप लोगों के लिए आइडिया, बाकी आप लोग अब आपका काम है कि इसके अंदर प्री प्रोसेसिंग के अंदर इतनी चीज़ें हैं ना कि मैं कहता हूँ ना मैं इस पर 10 दिन भी लगा दूँ तो शायद मैं इस एक को मैं ख़त्म ही ना कर सकूँ, ठीक है। तो अब प्री प्रोसेसिंग में मतलब आज के लेक्चर का एजेंडा यही था कि आप लोगों को प्री प्रोसेसिंग का आइडिया। अच्छा तो मैं नोटेशन जरा मिटा लूँगी, एस्टिमेटर्स पे थोड़ा सा मूव करते हैं, ठीक है मैं अपने लिए इसको क्रॉस कर देता हूँ बस। और मैं अपने लिए बोले न्यू फाइल बना लेता हूँ, ठीक है मैं नो मोर लेक्चर, अभी तो हमने एक टॉपिक खत्म किया है। नहीं अभी तो एक लेक्चर खत्म किया आज का सब। अच्छा तो मैं इस तरह कर लेता हूँ जल्दी से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया एक एस्टिमेटर्स का, फिलहाल एक थोड़ी सी आप लोगों को थ्योरी सी पढ़ा देता हूँ, ठीक है कोडिंग अगर नहीं भी करनी हो। देखिए क्या करें, लोग तो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि ना करो, अब मैं क्या करूँ। तो बस ये यहीं पे फिनिश करें इन्हें, ये जो चीजें आपने पढ़ाई हैं इनको कर लें, फिर बाद में इसको देखेंगे कल, अगर इनको कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी कल दूर कर देंगे इसको, फिर यहीं पे जो है ना फिनिश करें। ठीक है सही है, तो मैं तो कहता था एस्टिमेटर्स भी पढ़ा लेते हो, चलें वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे पास, कोई उसके लिए टेंशन ना ले, वीडियो रिकॉर्ड हो रही, चलें तो ठीक है। तो मेरे ख्याल में क्लास सेंड करते, किसी का कोई क्वेश्चन है? चलें ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है फिर मैं मीटिंग एंड कर लेता हूँ। अगर आप में से किसी का अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको आज का लेक्चर बिल्कुल नहीं समझ आया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया, खैर है मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा वाह वाह साहिल तुम्हें भी नहीं कुछ नहीं समझ आई, चलो अच्छी बात है, फीडबैक दें यार, तुम्हें तो मुझसे ज्यादा आता है, तुम्हें भी नहीं आई समझ,
अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो खैर है, अगर आप लोगों को कोडिंग की नहीं भी समझ आई तो बस आज आप लोग एक बात तो सीख ली होगी कि लाइक आप लोगों ने एक बात सीखनी थी कि हमने प्री प्रोसेसिंग अपने डेटा के हिसाब से करनी है। प्लॉटिंग मैंने क्यों की है, क्योंकि प्लॉटिंग से आप लोगों, अगर मैं प्लॉट ना बनाता आपके लिए प्रिडिक्शन कर लेता तो फिर आपको उसमें थोड़े और मसले आते। बॉक्स प्लॉट अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे बॉक्स प्लॉट आधे से ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँगा 70% लोगों को बॉक्स प्लॉट समझ नहीं आता, तो मेरे पास सबसे अच्छा स्कैटर प्लॉट ही रहेगी तो स्कैटर प्लॉट से करें, ठीक है। तो इसमें आज अगर आप लोग अगर ये बात समझ गए ना कि हमने डेटा के हिसाब से प्री प्रोसेसिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमें बस ये आप लोग के लिए इनफ है कि आप लोग अगर ये बात समझ आ गई है कि क्वांटाइल के हिसाब से जहाँ पे हमारा डेटा जिस तरह का है उस हिसाब से हमने वो करना है, ठीक है। तो बस ये आखिरी में कमेंट लूंगा असमत तनवीर का। हेलो जी, अरे बने, हाँ जी अब्दुल रहीम, आप अभी जो कह रहे थे कि अभी आपने जो रह गया है आपका, आप क्या दे सकते हैं कि हम कल थोड़ी सी तैयारी कर लें उसकी? आपकी बात अब टूट गई है बीच में, क्या दे सकते हो बीच में? अभी आप कुछ पढ़ाने लगे? हाँ मैं पढ़ाने लगा था, सिंपल सी चीज है, एस्टिमेटर्स वगैरह और ये चीजें। हाँ जी, तो आप जरा उनकी वो दे दें थोड़ा सा होमवर्क, कह सकते हैं आप उसको कि होमवर्क थोड़ा सा दे देता कि हम पहले से थोड़ा सा गूगल करके आ जाएं। हाँ ये अच्छी, चले मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि हमें जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको आप लोग थोड़ा सा देख ले, आप लोग देख ले, थोड़ा सा एक्यूरेसी को देख लें, प्रिसीजन को देख लें, रिकॉल स्कोर को देख ले, इसके फार्मूले देखें, प्रिसीजन रिकॉल स्कोर हो गया, फार्मूले देखें, इसको यूज किस तरह करते हैं। मैं बेसिकली कल आप लोगों को एक केगल से डेटा सेट उठाऊंगा, जो भाई मतलब रियल डेटा सेट पे हम थोड़ा सा काम करेंगे। और कल आप, हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने समझनी है कल, वो है वेट्स। कल मैं आप लोगों को वेट्स पढ़ाऊंगा, ये अपने पास नोट कर लें। वेट्स वेट्स है, रिकॉल स्कोर है, रिकॉल स्कोर है, प्रिसीजन स्कोर है, और भी लोग हैं नोट कर लें, प्रिसीजन स्कोर है और, हाँ और रिकॉल हो गया, प्रिसीजन स्कोर हो गया, वेट्स देखें कि वेट्स किस लिए यूज होते हैं, वेट्स क्या लिखेंगे हम के वेट्स इन डेटा सेट, वेट्स क्या लिखेंगे गूगल में, बस ये लिखें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में वेट्स किस लिए यूज होते हैं। ओके ठीक है, बस ये देख लें, ये देख लें, प्रिसीजन स्कोर हो गया, रिकॉल, और एस्टिमेटर्स इन जनरल पढ़ लें, एस्टिमेटर एस्टिमेटर्स, हाँ एस्टिमेटर्स पढ़ लें, नहीं बल्कि मैट्रिसेस, मैट्रिसेस पढ़े, मैट्रिसेस, तो ये चार पांच चीजें देख लें आप लोग, ये आप लोग पहले पहले प्री प्रोसेसिंग पे काम करें। ये नहीं कहता कि वेल एंड गुड अगर आप लोग देखते हैं, ये तो अच्छी बात है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और देख रहे हैं। वेट्स, हाँ वेट्स को पढ़ें, क्योंकि वेट्स अक्सर लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसको मैं बहुत डेप्थ में नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आप लोगों को जनरल आइडिया दूंगा कि वेट्स होते किस तरह, ठीक है। सही, शुक्रिया अब्दुल रहीम, ठीक है सही, चले मैं मीटिंग एंड करता हूँ, और सही है, ओके चले सही है, ओके अल्लाह हाफिज़।